तो वी कैन स्टार्ट आवर सेशन ठीक है तो अब हमारे पास हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड वट इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस लेक्चर मतलब मैंने लेक्चर को क्यों प्लान किया वाई आई हैव दिस प्लान दिस लेक्चर ये जो लेक्चर है आई वॉन्टेड टू कवर दिस लेक्चर आफ्टर द एंड ऑफ ऑल ऑफ़ योर सब्जेक्ट्स जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं द बेसिक सब्जेक्ट्स द बेसिक सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट गेट के अंदर आते हैं बिकॉज इन यू जी सी एट दे ऑसो है एक् एस्ट्रा सब्जेक्ट्स लाइक आर्टिफिश इन टेलिजेंस है लॉर्ड ऑफ अर थिंग आते हैं लेकिन जितने भी आपके बेसिक सब्जेक्ट है द कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट डेट वी कवर इन गेट एग्जामेशन इट इज़ बेटर टू टीच दिस लेक्चर आफ्टर द एंड ऑफ एंटायर सिलेबस एंड इवन आई हैव नॉट प्रिपेयर दिस लेक्चर इन लॉड ऑफ डेप्थ आई कैन इवन प्रिपेयर दिस लेक्चर इज मच मच मोर डेप्थ इन अ मच बेटर वे बट यहाँ पर इस लेक्चर का मेन एम क्या है कि ये बताना चाहता है कि मेन जो आपके डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो कैसे काम करते हैं उनको कैसे हमने डिज़ाइन किया हुआ है करेक्ट अब ये जो लेक्चर है ये आपके मेनली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नहीं बनाया दिस इज़ नॉट डिज़ाइंड एज पर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बट द सम पार्ट ऑफ दिस आई मीन द लेटर जो इसका पार्ट है लेक्चर का लास्ट लाइक लास्ट जो भी पार्ट रहेगा दैट विल बी दैट इज़ फॉर योर कंप्यूटर आर्किटेक्चर वो आपके लिए एग्जाम के लिए डिज़ाइंड है बट सम पार्ट और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज़ डिज़ाइंड नॉट डिज़ाइंड एज़ पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये लेक्चर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइंड नहीं है अब मैंने ये लेक्चर बनाया क्यों दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि सर अगर हमारे हम तो एग्ज़ाम की प्रिपेरेशन कर रहे हैं आपका क्वेश्चन हो सकता है राइट right? आपके क्वेश्चन होगा सर हम तो एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं और हम तो एग्जाम के लिए फोकस्ड हैं तो आपने इस लेक्चर को बनाया क्यों वट इज़ द बेनिफिट ऑफ

बट ये जो सभी सब्जेक्ट हैं एक दूसरे के साथ कैसे इंटरलिंक्ड हैं और ये एक दूसरे साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं व्हाट इज़ आई मीन क्रॉस डिसिप्लिनरी ये कैसे यूज़ करते हैं तो वो हमें पता होना चाहिए जैसे एज आई सेड यू नीड डिजिटल लॉजिक बेसिक्स टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर ओके एंड यू नीड द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर टू अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बेसिक्स की जरूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए ठीक है राइट एंड देन यू नीड द बेसिक्स ऑफ थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन एंड इफ लेट सपोज यू हैव सीन योर सी प्रोग्रामिंग तो सी प्रोग्रामिंग जो है उसको हमने कैसे डिज़ाइन किया सी लैंग्वेज के लिए एंड हाउ द बेसिक कंस्ट्रक्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग वर्क जैसे हमारे पास एक कंपाइलेशन एरर आता है हाउ केन यू आइडेंटिफाई कंपाइलेशन एरर सो दैट नीड्स द सब्जेक्ट विच इज़ कंपाइलर डिज़ाइन और कंपाइलर डिज़ाइन को पढ़ने के लिए आपको थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन आना चाहिए राइट right? मतलब तो तो कहने का मतलब तो क्या देखो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हमने बताया जैसे फॉर एक्ज़ाम्पल यू शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन अगर आपको थ्योरी ऑफ कॉम्पटिशन का कॉन्सेप्ट पता है देन यू कैन स्टडी कंपाइलर डिज़ाइन कि कंपाइलर कैसे काम करता है इफ़ यू नो हाउ द कंपाइलर वर्कस देन यू विल गेट अ बेटर क्लियरिटी रिगार्डिंग सी प्रोग्रामिंग अगर आपको पता है कि सी प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है देन यूल गेट अ बेटर क्लियरिटी रिगार्डिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड इफ यू नो हाउ डेटा स्ट्रक्चर वर्कस देन यू कैन गेट अ बेटर क्लैरिटी रिगार्डिंग एल्गोर्थम्स एंड इफ यू नो हाउ एल्गोर्थम्स वर्क देन यू कैन गेट अ बेटर क्लियरिटी रिगार्डिंग डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड इफ यू नो दीज थिंग्स देन यू विल गेट अ बेटर क्लियरिटी रिगार्डिंग द कंप्यूटर नेटवर्क्स ठीक है

करेट एंड यू नीड सम बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग टू अंडरसटैंड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सोम तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो सभी सब्जेक्ट हैं ऑल ऑफ दिस सब्जेक्ट्स आर बेसिकली इंटरलिंक्ड विद ईच अदर एक सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है एक सब्जेक्ट का जो बेसिक है वो दूसरे सब्जेक्ट में काम आता है सो बिकॉज ऑल ऑफ दिस सब्जेक्ट्स वाई वी स्टडी दिस सब्जेक्ट बिकॉज ऑल ऑफ दिस सब्जेक्ट्स टेल्स अस हाउ टू डिज़ाइन अ बेसिक कंप्यूटर सिस्टम लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि वो सभी सब्जेक्ट को इंडिविजुअली तो पढ़ाते हैं जैसे इंडिविजुअली उन्होंने पढ़ा दिया सी प्रोग्रामिंग क्या है इंडिविजुअली दे टीच व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन इंडिविजुअली दे टीच व्हाट इज़ कंपाइलर डिज़ाइन लेकिन ये चीज़ें एक दूसरे के साथ काम कैसे करती हैं ये चीज़ें एक दूसरे के साथ कैसे इंटर रिलेटेड है वो चीज़ें स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होती जब आप अपनी बी को फिनिश कर लेते हैं आफ्टर फिनिशिंग योर बी आपको एक प्रॉपर आइडिया नहीं होता कि जो सभी चीज़ें मैंने पढ़ी है जो सभी जो सब्जेक्ट मैंने पढ़े हैं इन सब्जेक्ट का यूज़ क्या व्हाट इज़ द यूज ऑफ ऑल ऑफ दिस सब्जेक्ट तो आप एंड में क्या बोलेंगे एंड में यू विल से कि सर हमने बीटेक तो कर ली पर बीटेक के बहुत सारे सब्जेक्ट मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आए जैसे बीटेक कंप्लीट करने के बाद यू कैन से आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की जॉब मिली एंड इन योर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जॉब यू कैन से सर डिजिटल लॉजिक क्यों पढ़ा मैंने बीटेक में दर इज नो बेनिफिट ऑफ डिजिटल लॉजिक सर एज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग आई डोंट हैव एनी यूज़ ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर सर एज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर और यू कैन से इफ़ यू से यू ए मशीन लर्निंग साइंटिस्ट जैसे कैसे सर आई एम ए मशीन लर्निंग साइंटिस्ट तो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि मैंने थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन को क्यों पढ़ा राइट right? तो बी के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पास जैसे बी में हम लोग अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं वी आर स्टडी अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी सब्जेक्ट्स ऑफ बी लेकिन इन सभी सब्जेक्ट के बीच में इंटर रिलेशन क्या है इंटर लिंक क्या है वो स्टूडेंट्स के अंदर क्लियरिटी नहीं होती वो उनको क्लियर नहीं होता और मोस्ट ऑफ द टाइम नो वेयर इन इंडिया नो वेयर दे टीच द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन्स ऑफ दीज सब्जेक्ट्स मतलब थियोटिकल तो हम लोग सभी पढ़ते हैं राइट right? बट वो प्रैक्टिकली कैसे काम करती हैं या फिर ये चीज़ें इंटरलिंट कैसे हैं तो वो ये चीज़ें यहाँ पर हमारे बीटेक में हमारे इंडिया में मतलब जनरली नहीं पढ़ाते हैं अभी आज का जो कंप्लीट लेक्चर है सो बेसिकली इट इज़ नॉट अ शॉर्ट लेक्चर इट इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग लेक्चर हार्डली आई थिंक इट शुड टेक अस लाइक फाइव टू सेवन आवर्स टू कम्प्लीट दिस लेक्चर तो ऑब्वियसली जो हमारा लेक्चर है वो हमें शिफ्ट में करना पड़ेगा एवरी सेशन विल बी ऑफ एंड हाफ आवर ईच ठीक है लेकिन इस पूरे लेक्चर का मेन रीज़न जो आइडिया है वो ये नहीं है कि मैं आपको आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कराऊँ इस पूरे लेक्चर का जो मेन आइडिया है जो मेन क्रक्स है वो ये है कि आप ये समझ पाए कि ये सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड कैसे हैं अब यहाँ पर मैं इस लेक्चर को एज ए सिंपल टॉपिक ही ले रहा हूँ राइट right? मैं यहाँ पर इसको सिर्फ एक सिंपल टॉपिक की तरह ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर बट लेटर ऑन इसके ऊपर एक कंप्लीट सब्जेक्ट है जो इन सभी सब्जेक्ट का जो इंटर रिलेशन है वो बनाता है आई हैव अ पी डी एफ फाइल आई वॉज सर्चिंग दैट पी डी एफ फाइल अगर मुझे मिल जाता है देन आई विल सेंड यू तो एक सब्जेक्ट है हमारे पास एंड दैट इज़ अ वेरी गुड बुक फ्रॉम अ ऑथर तो वो सब्जेक्ट क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइलर डिज़ाइन जितने भी सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं उन सभी सब्जेक्ट को यूज़ करके जो हमारा बेसिक कंप्यूटर डिज़ाइन है वो कैसे किया जा सकता है ठीक है तो इवन दो ये जो सब्जेक्ट है इट शुड बी वेरी वेरी लेंदी दिस इस, टॉपिक इस शुड बी वेरी वेरी लेंदी अप्रॉक्सिमेटली लाइक ट्वेंटी टू फोर्टी आवर्स इट शुड टेक मी टू गिव अ ब्रीफ आइडिया और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट तभी है जब आपने सभी सिलेबस को कम्प्लीट कर लिया है आई नो कि आपने इसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने अभी अभी स्टार्ट किया है एंड यू हैव नॉट कवर्ड योर सिलेबस तो इस वजह से मैं थोड़ा सा बेसिक से लेने की कोशिश की है यहाँ पर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं थोड़ा सा बेसिक से लूँ बट अगेन कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको ना समझ में आए अगर आपको नहीं समझ में आए डो नॉट गेट डी मोटिवेटेड यहाँ पर डी मोटिवेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज तो आई नो कि आप लोगों का कवर नहीं हुआ है यू हैव नॉट स्टडीड डिजिटल लॉजिक यू हैव नॉट स्टडीड थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन यू हैव नॉट स्टडीड कंपाइलर डिज़ाइन तो ऑब्वियसली यू गाइज विल टें टू बी डी आपको समझ में नहीं आएगा वट इज़ द यूज़ ऑफ दिस लेक्चर करेक्ट लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो ज़्यादातर सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर कर चुके हैं मोस्ट ऑफ़ द पीपल हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस लेकिन एक और चीज़ है कि ये सब्जेक्ट ना ये जो लेक्चर है ये आप तब देखिएगा जब आप सभी सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे मेरे साथ जैसे एक कंपाइलर डिज़ाइन हम लोग सब्जेक्ट करेंगे उसके बाद जब हम सभी सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे उसके बाद अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे देन डेफिनेटली यू विल लर्न अ लॉट मोर थिंग्स आपको बहुत सारी नई चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर सीखने को मिलेंगी और इसको एंजॉय भी करेंगे बट लेटर ऑन मैं बाद में भी एक कंप्लीट सेशन लूँगा जैसे जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो मैं आपका एक और नया सब्जेक्ट इन्वेंट करूँगा ऑब्वियसली आई कैन इन्वेंट अ न्यू सब्जेक्ट विच विल बी अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दिस सब्जेक्ट्स सभी सब्जेक्ट्स का मिक्सचर होगा एंड मोस्ट ऑबली देट विल बी अ लेक्चर जो कि सभी इंडियन स्टूडेंट्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए इस तरह का लेक्चर ना तो किसी कॉलेज में पढ़ाया जाता है और ना ही ये इस तरह का जो सब्जेक्ट है वो ना ही किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी बुक इस तरह की अवेलेबल है बट एनी वो मैं बाद में करूंगा राइट लेटर ऑन आई विल वर्क इट आउट इन वर्क आउट ऑन दिस बट लेट लेटअ स्टार्ट टू डिस सेशन सो हु इज़ अ टारगेट ऑडियंस एज आई अट जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है सो एज आई एम सेग दिस इज नॉट डिजाइंड फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आई एम राइंग इट वेरी क्लियरली इसमें से ज़्यादातर जो पोर्शन है मोस्ट पोर्शन मोस्ट ऑफ दिस पोर्शन मोस्ट ऑफ द पोर्सन इज़ नॉट डिज़ाइंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बिकॉज ये सभी आप इंडिविजुअली एज ए सब्जेक्ट को पढ़ेंगे दिस इज जस्ट अ क्रॉस डिसिप्लिन ओके डिज़ाइंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम राइट बिकॉज हर एक सब्जेक्ट की इन डेप्थ इन डिटेल आप बाद में भी स्टडी करेंगे ओके okay? तो इसको मैंने डिज़ाइन क्यों किया है वाई आई हैव इवन डिज़ाइंड दिस सब्जेक्ट तो बेसिकली क्या है कि अगर ये आपका पूरा कंप्यूटर साइंस है तो इन कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत सारी चीज़ें इंडिविजुअली स्टडी करते हैं ये जो यहाँ पर सर्कल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं दीज सर्कल्स आर रिप्रेजेंटिंग योर सब्जेक्ट्स जैसे ये एक सब्जेक्ट हो सकता है आपका सी प्रोग्रामिंग ये एक सब्जेक्ट हो सकता है आपका डेटा स्ट्रक्चर्स ये सब्जेक्ट हो सकता है थ्योरी ऑफ कॉम्पिटन ये सब्जेक्ट आपका हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स यू हैव लॉट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स राइट अब इन सभी सब्जेक्ट्स को जब आप पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारा ऐसा स्पेस है जो आपका ये अननेसेसरी का जो गैप बच जाता है और इस गैप को स्टूडेंट्स फिल नहीं कर पाते दे आर नॉट एबल टू फिल आउट दिस गैप और वो उन सभी सब्जेक्ट का जो इंटर रिलेशन है एक दूसरे के साथ ये जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ वो इस कनेक्शन को समझ में नहीं पाते राइट तो ये चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है तो इस चीज़ को दूर करने के लिए कि हर एक सब्जेक्ट आपकी बी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ग्रेजुएशन के जितने भी सब्जेक्ट हैं हर एक सब्जेक्ट ज़रूरी है उसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इस लेक्चर को क्रिएट किया है ठीक है तो अब आपको क्या ही लेक्चर पढ़ना चाहिए डेफिनेटली येस यू नीड दिस सब्जेक्ट इवन दो आपने बाकी सब्जेक्ट को जब सब कवर नहीं किया है तभी आपको इस सब्जेक्ट की जरूरत होगी लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ़ एक ब्रीफ आइडिया दिया है आई एम नॉट कवरिंग एवरी एक्सपेक्ट ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर क्योंकि बहुत सारी एक्सपेक्ट हैं जैसे सिंकनाइजेशन मैकेज़म्स हैं आपके पास बहुत सारी इंडेप्थ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्टिड कि मैं इस लेक्चर को लाइक फोर टू फाइव आवर्स के अंदर कंप्लीट कर दूँ आई डो नॉट वॉन्ट टू वेस्ट योर कम्पलीट आई मीन योर टाइम बेस्ड ऑन दिस तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ दैट इज़ वाई आई वॉन्ट कि इसको फोर टू फाइव आवर्स के अंदर मैं यहाँ पर कम्प्लीट कर दूँ ठीक है फाइन उसके बाद ऑन जब हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे जब हमारी गेट की प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी देन वी आर गोइंग टू कवर यू नो दी सब्जेक्ट थॉरली ठीक है अब आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया बिहाइंड दिस सब्जेक्ट कि हमारे जो कंप्यूटर्स के वेरियस कॉम्पोनेट्स हैं पूरे कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है सभी चीज़ें कैसे काम करती हैं ओके okay? सो so ऑबियसली तो हमारा जो पूरा टॉपिक है आई थिंक वी हैव टू कवर सो मेनी टॉपिक्स मोस्ट ऑफ दिस टॉपिक्स विल नॉट बी विजिबल टू यू ज़्यादातर जो टॉपिक है वो आपके साथ विजिबल नहीं होंगे तो लेट मी राइट दीज टॉपिक्स हियर ठीक है देखो किसी भी डिजिटल कंप्यूटर के तीन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शंस होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शंस सबसे पहला पोर्शन है आपका हार्डवेयर किसी भी कंप्यूटर का सबसे पहला पोर्शन आपके पास हार्डवेयर ओके okay? द सेकेंड पोर्शन इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रिसाइड्स ऑन दिस हार्डवेयर कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इस हार्डवेयर का यूज़ कैसे करता है एंड योर थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हीयर इज़ योर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो यहाँ पर तीसरा एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट यहाँ पर होता है ओके okay? अब ये जो हार्डवेयर है डिजिटल कंप्यूटर का इस हार्डवेयर को हम बेसिकली दो सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करने की कोशिश करते हैं सबसे पहला सब्जेक्ट है आपके पास डिजिटल लॉजिक एंड द सेकेंड सब्जेक्ट दैट वी स्टडी इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ठीक है अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑब्वियसली इसके लिए हमने एक सेपरेट सब्जेक्ट बनाया है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम बट जो आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को समझने के लिए हमें तीन से चार अलग अलग सब्जेक्ट्स की जरूरत होती है जैसे एक सब्जेक्ट है आपके पास यहाँ पर थ्योरी ऑफ कम्पिटिशन थ्योरी ऑफ कम्पिटिशन से हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि लैंग्वेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वट इज़ अ बेसिक आइडिया बिहाइंड अ लैंग्वेज ओके कंप्यूटर सिस्टम्स उस लैंग्वेज को कैसे समझेंगे वो हम समझने की कोशिश करते हैं उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो बेसिक आइडिया बिहाइंड अ लैंग्वेज है इसको हम किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि किसी तरह की लैंग्वेज को समझ पाए यानी कि हम लोग एक सब्जेक्ट बनाएंगे कंपाइलर डिज़ाइन तो कंपाइलर डिज़ाइन का मतलब है कि अगर हमने एक बेसिक आइडिया बनाया लैंग्वेज का तो क्या वो लैंग्वेज एक क्या आप उस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते और फिर कंपाइलर डिज़ाइन के बाद हमारे पास आता है सी प्रोग्रामिंग राइट फिर सी प्रोग्रामिंग के बाद हम बाकी जो दूसरे कॉम्पोनेंट्स हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जैसे बेसिकली नॉट जस्ट सी मतलब मतलब है प्रोग्रामिंग का तो बाकी जो आपके कॉम्पोनें है जैसे आपके पास यहाँ पर डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है यू हैव कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिथम्स यू हैव वेरियस डिफरेंट काइंडस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरियस डिफरेंट काइंडस ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सभी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं करेक्ट तो पूरे कंप्यूटर के तीन इंपॉर्टेंट पोर्शंस हुए पहला हार्डवेयर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड तीसरा आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ठीक है अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो यहाँ पर हार्डवेयर पे काम करती हैं जैसे आपके पास एक आसूस कंपनी है अगर आप आसूस कंपनी का इंटरव्यू देंगे सो ऑब्वियसली आसूस क्रिएट्स मदरबोर्ड्स आसूस क्रिएट्स प्रोसेसर जैसे इंटेल है इंटेल कंपनी क्रिएट्स प्रोसेसर्स राइट आपकी एम जो कंपनी है क्वालकॉम जो कंपनी है राइट right? ये जो सभी कंपनीज़ हैं दीज कंपनीज़ आर बेसिकली हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स ये सभी कंपनीज़ आपके प्रोसेसर्स को बनाती हैं ये सभी कंपनीज़ आपके हार्डवेयर्स को बनाती हैं तो इन सभी कंपनीज़ में अगर आपको जाना है इफ़ यू वॉन्ट टू गेट देयर एज अ साइंटिस्ट एज अ रिसर्च डेवलपर तो आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बहुत अच्छी नॉलेज होनी ज़रूरी है ओके okay? अब कुछ कंपनीज़ हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती हैं जैसे आपके पास एप्पल के अंदर आई है करेक्ट आईफोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसी तरीके से आपके पास मैकेंट है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ है तो ये जो सभी हैं ये सभी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हैं एंड दीज कंपनीज़ वर्क ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्वियसली अगर आपको एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर की तरह जाना है दैन यू शुड हैव अ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड थर्ड इज़ द लेवल ऑफ कंपनीज वेयर यू नीट द कॉन्सेप्ट विच इज़ अपर लेवल कॉन्सेप्ट दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग तो अपर लेवल कॉन्सेप्ट में आप लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे uh, जैसे आपके पास कुछ कंपनीज है यूटसपोज यू हैविप्रो राइट विप्रो सत्यम टेक महिंद्रा मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर सर्विस बेस्ड कंपनीज इवन आपका जो गूगल है राइट आई एम नॉट टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ गूगल ही उसका एग्जाम्पल मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ टेल यू द रीजन अब जैसे विप्रो है आपके पास विप्रो इज़ देयर योर इन्फोसिस इज देयर राइट मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज़ आर वर्किंग ऑन द सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेट्स दैट इज़ वाई इफ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग इफ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ डेटा बेसिस इफ हैव अ गुड नॉलेज ऑफ एलगोर्थम्स ऑब्वियसली दीज कंपनीज़ आर फॉर यू लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि क्रॉस डिसिप्लिनरी काम करती हैं राइट जैसे आपके पास एक कंपनी है सिस्को राइट अब जो सिस्को कंपनी है दे क्रिएट देयर ओन राउटर्स अब राउटर्स के अंदर तीन कॉम्पोनेंट है राउटर्स आर हैविंग एन हार्डवेयर उस हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए दे नीड अ स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर दे नीड अ स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर तो हमारे पास बहुत सारी ऐसे सिस्को आपके पास एक कंपनी है इवन अगर आपके पास एक कॉम्पोनेंट है यहाँ पर आपके पास गूगल करेक्ट अब आप बोल सकते हैं सर गूगल इज़ अ वेबसाइट गूगल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी किस तरीके से इन तीनों चीज़ों के साथ कम्युनिकेट करेगी देखो समझने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो ऑडियंस है गूगल की दैट इज़ नॉट अ स्मॉल ऑडियंस उसकी जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है

वर्क ऑन ऑल द थ्री लेवल्स जहाँ पर आपके पास सिस्टम डिज़ाइन एक सब्जेक्ट आता है जहाँ पर पूरा सिस्टम आपको डिज़ाइन करना होता है तो वो सभी चीज़ें उस पर कंप्लीटली काम करती हैं ओके okay? अब यहाँ पर जो इस लेक्चर में कवर करूँगा इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाला हूँ द फर्स्ट थिंग द लेवल बी कवरिंग इज य सॉफ्टवेयर कंपोनेंट सॉफ्टवेयर कम्पोनेंट का मतलब है कि अगर आपके पास एक प्रोग्राम आप बनाते हैं तो प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करते हैं कंपाइल करते हैं देन वट आर द फेजेज़ इन द कंपाइलर कंपाइलर का जो फेजेस है सबसे लास्ट में कंपाइलर के फेजन में आपको मिलता है असेंबली कोड ठीक है अब वो जो असेंबली कोड है योर डिजिटल कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड दैट असेंबली कोड राइट इवन दो बीच में बहुत सारी लेयर्स हैं बहुत सारी चीज़ें हैं बट आई एम ट्राइंग टू मेक दिस लेक्चर एज सिंपल एज पॉसिबल ठीक है सेकेंड इज़ योर डिजिटल कॉम्पोनेंट्स जो कि आपका हार्डवेयर कॉम्पोनेंट है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे योर यू नो गेट्स डिकोडर्स मल्टीप्लेक्सर्स लैच फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर्स काउंटर्स एल यूज़ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स तो ये सभी चीज़ें हैं इवन दो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज थिंग्स इन डिजिटल लॉजिक हम यहाँ पर इसको डिजिटल लॉजिक में भी कवर कर चुके हैं बट जस्ट फॉर रिविज़न परपज़ आई एम गोइंग टू स्पेंड वन मिनट इन ईच ऑफ दिस टॉपिक्स मैक्मम मैं एक मिनट का ही टाइम स्पेंड करूँगा ताकि आप सभी को एक रिविज़न परपज़ के लिए यूज़ हो जाए कि हम मतलब जो कंप्लीट जो रिविज़न है एक तरीके से हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो आप एक रिविज़न परपज़ के लिए यहाँ पर इसको यूज़ कर सकें ओके न और थर्ड विल बी जो डिज़ाइनिंग अब बेसिक कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर का डिज़ाइन कैसे किया जा सकता है यूजिंग ऑल ऑफ दिस कॉम्पोनेट्स जो सभी कंपोनेंट्स हैं इनको यूज़ करके हम बेसिक कंप्यूटर बे, का डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं जैसे उसके अंदर हमारे पास मेमोरी चिप है उसको कैसे डिजाइन करना है एड्रेस रजिस्टर कैसे डिज़ाइन करना है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसे डिज़ाइन करनी है कॉमन बस सिस्टम कैसे डिज़ाइन करना है आपके पास अगर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो कैसे काम करेगी ये सभी आपके जो फ्लैग रजिस्टर्स हैं हैंक्यूमलेटर्स हैं इसको कैसे डिज़ाइन करना है ये कैसे काम करेगा दिस इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी ओके करेक्ट अब ये मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्यों पढ़ा रहा हूँ बिकॉज दीज आर द टॉपिक्स यहाँ पर मेरा इस पूरे लेक्चर में मेजर एम्फोसिस होगा दिस विल बी योर मेजर एम्फोसिस ओके सो बिकॉज ये जो टॉपिक है ये आपका पूरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का टॉपिक है एंड वी आर स्टडिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर तो इसी वजह से ये जो कंप्लीट टॉपिक है ये ही आपका मेजर एम्फेसिस है दैट इज़ वाई अगर मैं हंड्रेड परसेंट टाइम स्पेंड करूँगा आउट ऑफ दिस हंड्रेड परसेंट आई एम गोइंग टू स्पेंड लाइक सेवेंटी टू एट्टी परसेंट टाइम ऑन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड आई एम गोइंग टू स्पेंड टेन परसेंट टाइम इन द फर्स्ट प्रोसेस आई एम गोइंग टू स्पेंड लास्ट टेन परसेंट टाइम ऑन दिस स्टेट और यहाँ पर मैं लगभग एट्टी परसेंट टाइम को स्पेंड करूँगा ओके एंड इन द लास्ट हम लोग सबसे लास्ट में स्टडी करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कॉन्प्ट कि ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम जैसे आपके पास कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है मेन मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रोसेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है रिलोकेटेबल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है अगर आप रिलोकेटेबल प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को किस तरीके से सपोर्ट करता है वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे और जो प्रोग्राम लोडिंग और स्टोरिंग चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ओके आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एक ब्रीफ आइडिया कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं तो बेसिकली दिस इज़ काइंड ऑफ अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये जो है आपका ए एल यू आर्किटेक्चर है सो डोंट गेट कन्फ्यूज अभी मैं आपको ये नहीं शो कर रहा हूँ आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू राइट नाउ बट लेटर ऑन हम हर एक कॉम्पोनेंट की वर्किंग को समझेंगे दैट मीन्स हाउ कैन आई डिज़ाइन दिस एक्यूमलेटर कैसे इसको डिज़ाइन किया जा सकता है हाउ कैन आई डिज़ाइन दिस टेम्प्रेरी रजिस्टर हाउ कैन आई डिज़ाइन दिस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हाउ केन आई डिज़ाइन दिस डेटा बस हाउ केन आई डिज़ाइन दिस टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल इन सभी चीज़ों को इंडिविजुअली कैसे डिज़ाइन करना है एलियो को कैसे डिज़ाइन करना है फ्लैग्स को कैसे डिज़ाइन करना है इन सबकी जो हार्डवेयर डिजाइनिंग है वो सभी हम लोग उन सबका एक ब्रीफ आइडिया हम यहाँ पर लेंगे ओके ठीक है दिस इज़ गोइंग टू अ ब्रीफ आइडिया फाइन नेक्स्ट एंड में हम लोग एक जो कंप्यूटर कम्प्लीट आर्किटेक्चर है दिस इज बेसिकली 8085 ज़ीरोट माइक्रो प्रोसेसर तो जो जो माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्रीज हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं इन पास्ट फाइव टू टेन इयर्स तो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड दिस इज़ अ कंप्लीट यू नो माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन ऑफ एट जीरो एट फाइव बिकॉज एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर के अंदर यू हैव वेरियस यूनिट्स लाइक यू हैव अ मेमरी यूनिट यू हैव अ

तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड दिस विल बी इन द लास्ट ठीक है तो एंड रिजल्ट पे हम लोग यहाँ पर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में पहुँचेंगे फॉर कंप्यूटर आर्किटेक्चर ओके अगेन इसके बाद भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे ओके okay? तो एज आई सेड आपके पास इन एज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट आपके पास uh, दो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट कॉम्पोनेंट है यू हैव लैंग्वेजेस यू हैव अ हाई लेवल लैंग्वेज यू हैव असेंबली कोड एंड यू हैव अ मशीन कोड तो जैसे हाई लेवल लैंग्वेज है फॉर एग्जाम्पल सी इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज सी प्लस प्लस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज जावा इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज डॉट नेट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज सो अर्लियर नाव वर्ड वी कॉल इट एज अ डॉट नेट फ्रेमवर्क बट अर्लियर वी यूज टू हैव सी शार्प डॉट नेट विच इज अ लैंग्वेज एंड वी यूज़ टू हैव वी वी डॉट नेट तो वो भी एक लैंग्वेज थी करेक्ट तो so, ये जो सभी हैं ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिप्रेजेंटिंग योर हाई लेवल लैंग्वेज सो बेसिकली वैन यू राइट अ प्रोग्राम यू राइट योर प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज जो भी आजकल हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं वी ड नॉट रिली यूज मशीन लैंग्वेज नाव अ डेज बिकॉज मशीन लैंग्वेज लैंग्वेज के अंदर असेंबली कोड को लिखना देट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड देर इज़ नो बेनिफिट ऑफ यूजिंग एन असेंबली कोड दर इज़ नो बेनिफिट ऑफ़ यूजिंग मशीन कोड नाव अ डेज ठीक है अब यहाँ पर uh,

कॉमा आरबन वेर आर नॉट इन आर वन आर रजिस्टर्स उसी तरीके से यू हैव सब्ट्रैक्ट आर नॉट कामा आरबन वेर आर नॉट इन आर वन आर रजिस्टर्स एंड वैन यू सी दिस मशीन कोड तो जो मशीन कोड है इट्स समथिंग लाइक दिस राइट सो इन बाइनरी यू राइट योर मशीन कोड ठीक है फाइन अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपकी जो कंप्यूटर लैंग्वेजेज हैं देर आर वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक यू हैव प्रोसीजर लैंग्वेज यू हैव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू हैव सम फंक्शनल लैंग्वेजेस एंड यू हैव समिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस जैसे प्रोसीजरल लैंग्वेज में फॉर ट्रैन इज़ अ प्रोसीजर लैंग्वेज कोबॉल इज़ अ प्रोसीजर लैंग्वेज बेसिक वॉज अ प्रोसीिजर लैंग्वेज ये जो लैंग्वेजेस है दीज आर यूज इन नाइनटीन सेवनटीज़ सो नाइनटीन सेवनटीज़ एंड नाइनटीन एटीज़ दिस फॉर ट्रैन कोबोल एंड बेसिक दे यूज़ टू बी वेरी वेरी फेमस उसके बाद वी हैव अ सी लैंग्वेज तो नाइनटीन सेवनटीज़ एंड नाइनटीन एटीज़ के बाद जो है सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फेमस हुई and you have C and ADA, these are your procedure language, correct? Then from these procedure languages, we designed a concept of object-oriented programming language. This can be language has small talk. You have C++, you have visual basic, you have C sharp.net, you have Java, and then you have functional programming languages. Like you have Lisp, you have scheme, and then you have some declarative programming languages like you have Prolog. अब जनरली जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके पास आ सकती है सो दे आर टू काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नंबर वन द लैंग्वेजेस दैट आर डिज़ाइंड फॉर सम स्पेसिफिक परपज जिसको सिर्फ एक स्पेसिफिक परपज़ के लिए ही डिज़ाइन किया गया है जैसे आई मीन दे आर डिज़ाइन टू वर्क ऑन अ स्पेसिफिक हार्डवेयर और दे आर डिज़ाइन टू वर्क ऑन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ओनली ठीक है जैसे अगर आपको पता हो वी यूज ऑब्जेक्टिव सी करेक्ट ऑब्जेक्टिव सी इज़ यूज

सो जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज़ का मतलब है कि हम इन सभी लैंग्वेज़ को यूज़ कर सकते हैं टू डिज़ाइन एनी काइंड ऑफ सॉफ़्टवेयर आई मीन इन जनरल जैसे आप यू आर यूजिंग दिस लैंग्वेज टू डिज़ाइन अ वेबसाइट यर डिजाइज यूजिंग दिस लैंग्वेज टू डिज़ाइन सम काइंड ऑफ लॉजिक कुछ अपनी तरह का सॉफ्टवेयर आप बनाना चाहते हैं तो वो हम लोग जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज़ को हम लोग उसको बोलते हैं ठीक है अब ये जो जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं दीज आर द लैंग्वेज दैट आर वेरी वेरी फेमस दैट वी जो भी आपकी कंपनीज होती हैं फॉर एग्जाम्पल यू हैव इन्फोसिस एंड योर टेक महिंद्रा मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज दे यू नो हायर पीपल हुर वर्किंग ऑन जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज जो उनके सॉफ्टवेयर होते हैं दैट दैट इज़ फॉर जनरल पर्पज़ ओके अब जैसे यहाँ पर कुछ लैंग्वेज के एग्जाम्पल है आउट ऑफ ऑल दीज लैंग्वेज़ज़ज़ज़ज़ज काबोल वॉज अ बिज़नेस यूज फॉर बिजनेस एप्लीकेशन फोट्रैन वॉज यूज फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन ओनली फोट्रैन जो है वो इंजीनियरिंग और साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए ही बनाई गई थी एंड यूजिंग दिस फोट्रैन वी हैव ऑल्सो डिज़ाइन मैट लैब अब जो लोग यहाँ पर मास्टर्स कर चुके हैं इन बी टेक स्टूडेंट्स बी टेक के लिए आई थिंक सो कि उनके लिए ज़्यादा जरूरी है बट जो लोग यहाँ पर मास्टर्स कर चुके हैं वो हैव डन सम रिसर्च एंड पी एच डीज दैन दे नो मैट लैब तो उनके लिए मैट लैब समझना बहुत जरूरी है आई थिंक दे वर्क ऑन मैट लैब ओके

ओके okay? तो जावा भी जो आपकी वो जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे यहाँ पर सी प्लसपर्स जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विजुअल बेसिक सी शार्प जावा सी लैंग्वेज ये सभी आपकी जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ओके okay? सो दैट इज़ वाई आप चेकआउट करेंगे देर आर वेरी फ्यू पीपल देर आर वेरी फ्यू एप्लीकेशन वेर पीपल आर वर्किंग ऑन पासकल लेकिन स्पेसिफिक uh, एप्लीकेशन के लिए ही काम करते हैं वेरी फ्यू प्लेसेज वेर जो लोग हैं तो पीपल आर वर्किंग ऑन माइटलैप बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर वर्किंग ऑन सी सी प्लस प्लस शीशाह पंजाबा ये सभी जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो ज़्यादा लोग यहीं पर काम करते हैं ओके ओके फाइन नाउ वेन यू राइट अ प्रोग्राम जैसे आपने एक प्रोग्राम को लिखा दिस इज़ अ प्रोग्राम अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम विच इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज राइट सो यू आर राइटिंग इन टीजर ए इज इक्वल टू फाइव बी इज इक्वल टू सिक्स एंड सी इज इक्वल टू सेवन आई कैन से ए इज इक्वल टू बी प्लस सी सो दिस इज द काइंड ऑफ प्रोग्राम आई कैन राइट अब ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है दिस प्रोग्राम इज़ इन हाई लेवल लैंग्वेज किसमें है ये प्रोग्राम हमारा हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ओके सो वी कॉल दिस एज ए सोर्स कोड अब इस प्रोग्राम को हम देते हैं प्री प्रोसेसर के पास वेन यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम तो सबसे पहला स्टेज होता है आपके पास प्री प्रोसेसर अभी जो प्री प्रोसेसर का स्टेज का काम किया सो प्री प्रोसेसर इज गोइंग टू रिमूव ऑल द हैश डिफ़ाइंड स्टेटमेंट्स फ्रॉम दिस प्रोग्राम तो जहाँ पर भी हैश डिफाइन स्टेटमेंट है ये उसको रिमूव करेगा इट इज़ गोइंग टू रिमूव एक्स्ट्रा वाइट स्पेसिस जो भी आपके पास यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस है उन सबको रिमूव करेगा इट इज़ गोइंग टू रिमूव द न्यू लाइन कैरेक्टर इट इज़ गोइंग टू रिमूव योर कमेंट्स ये सभी कमेंट्स को रिमूव करेगा बेसिकली इट इज़ गोइंग टू रिमूव द प्रोग्राम जो कि यूज़र ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रिएट किए हैं मेरे कहने का मतलब क्या है वो डू आई रियली मीन टू सेिस देखो जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो हम प्रोग्राम को इंटेंट करते हैं इंडेंटेशन हम लोग देते हैं ताकि जो प्रोग्राम का रीडर है उसको समझ में आए कि हम लोग प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं प्रोग्राम में राइट जैसे हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं राइट जैसे हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओर डॉट एच या आपका एक हेडर फाइल है राइट right? अब यहाँ पर हेडर फाइल के बाद वाई डू वी गिव अ एक्स्ट्रा न्यू लाइन हम नई लाइन को क्यों देते हैं द इज नो यूज़ ऑफ गिविंग अ न्यू लाइन इसका कोई बेनिफिट नहीं है इवन विदाउट गिविंग अ न्यू लाइन यू कैन राइट इट बट हम लोग एक न्यू लाइन क्यों दिया हमने ताकि हम लोग समझ पाए कि हमने प्रोग्राम में क्या किया है उसी तरीके जैसे मेन फंक्शन है इन दिस मेन फंक्शन आई कैन गिव अ कमेंट आई कैन गिव अ सिंगल लाइन कमेंट आई कैन गिवि अ मल्टी लाइन कमेंट तो यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट भी दे सकता हूँ आई कैन गिव इंटेंटेशन जैसे आई कैन से इंटीजर इंटीजर ए राइट आफ्टर सम कैन राइट अ फोर लूप एंड सो ऑन तो हमारे पास प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैंट वी राइट फॉर द यूजर अंडरस्टैंडिंग मतलब यूजर के समझने के लिए हम लोग इन चीज़ों को लिखते हैं बट थिंग इज दीज थिंग्स आर जस्ट फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स आर नॉट फॉर योर कंप्यूटर सिस्टम ये सभी चीज़ें कंप्यूटर सिस्टम को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है दिस इज़ जस्ट फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग तो जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं सबसे पहले हम प्रोग्राम को देते हैं प्री प्रोसेसर के पास द यूज़ ऑफ़ प्री प्रोसेसर इज़ टू रिमूव ऑल ऑफ दिस अननेसेसरी कमेंट्स बिकॉज कंप्यूटर्स को ये सभी कमेंट्स की जरूरत नहीं है इज़ टू रिजॉल्व ऑल ऑफ दिस हैश डिफाइन स्टेटमेंट जहाँ पर भी एन को हमने यूज़ किया है ऑल ऑफ़ दिस एन विल बी रिप्लेस बाई फाइव प्री प्रोसेसर विल रिमूव ऑल द न्यू लाइन मतलब जो भी यहाँ पर लाइन चेंज हो रहा है लाइन चेंज को हम बोलते हैं न्यू लाइन तो जो भी लाइन चेंजेस हो रहे हैं हम इन साइन लाइन चेंजेस को हटा देंगे इट इज़ गोइंग टू रिमूव ऑल द अननेसेसरी स्पेस वो सभी चीज़ों को प्री प्रोसेसर रिमूव करेगा अब प्री प्रोसेसर के बाद जो हमें प्रोग्राम मिलेगा दैट एंटायर प्रोग्राम विल बी अ वन सिंगल लाइन प्रोग्राम वो आपका वन सिंगल लाइन प्रोग्राम है ओके दैट इज़ अ वन सिंगल लाइन प्रोग्राम अंडरस्टूड इतना समझ में आया ठीक है अब बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन तो टी ओ सी सब्जेक्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट था लैंग्वेज का डी ओ सी में एक कॉन्सेप्ट था लैंग्वेज का लैंग्वेज मीज वी कैन डिफाइन अ लैंग्वेज दैट इज़ अ यूजर डिफाइंड लैंग्वेज जो यूज़र जो है एक मैथमेटिकली प्रिसाइज लैंग्वेज को क्रिएट कर सकता है करेक्ट अब उन सभी लैंग्वेजेज में वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ लैंग्वेज जैसे आपके पास एक रेगुलर लैंग्वेज है यू हैव अ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज यू हैव अ कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज एंड यू हैव अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज राइट तो हमारे पास अलग अलग लेवल्स की लैंग्वेज थी करेक्ट एंड टू जनरेट अ लैंग्वेज वी यूज समथिंग कॉल्ड एज ए ग्रामर एक लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर ग्रामर्स का यूज़ करते हैं ठीक है अब यहाँ पर होता क्या है कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज का द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर तो जो ग्रामर है वो हेल्प करता है हमें इस लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए ठीक है मतलब जो ग्रामर से हम लोग इस लैंग्वेज को जनरेट कर सकते हैं राइट जैसे हमारे पास ज़्यादातर जो लैंग्वेजेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं दे आर मोस्टली कॉन्टेक्स फ्री लैंग्वेजेस इवन दो सम प्लेसेस अगर आप चेक करेंगे सो योर सी लैंग्वेज इज रिटर्न एज अ कॉन्टेक्स सेंसिटिव लैंग्वेज सी लैंग्वेज को काफ़ी जगह पर कॉन्टेक्ट सेंसिटिव लैंग्वेज भी लिखा गया है बट यू कैन सी कि ज़्यादातर जो लैंग्वेजेज़ हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ़ दोज लैंग्वेजेज़ आर कॉन्टेक्स फ्री लैंग्वेजेज ओके तो दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन ठीक है अब जो भी आपका प्रोग्राम आपको यहाँ पर मिला है वट एवर प्रोग्राम यू हैव रिसीव्ड आफ्टर दिस प्री प्रोसेसर दैट प्रोग्राम विल बी कंसिडर्ड एज ए स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग दैट इज प्रजेंट इन द लैंग्वेज जो प्रोग्राम हमने पढ़ा है राइट सो इन थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लैंग्वेज आपने लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट स्टडी किया था और विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग्स ठीक ठीक है सो लाइक फॉर एक्जाम्पल वेरियस स्ट्रिंग्स कैन क्रिएट अ लैंग्वेज एक लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी स्ट्रिंग्स यहाँ पर हो सकती है करेक्ट सो हियर इन दिस केस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग जो आपका पूरा प्रोग्राम है दिस एंटायर प्रोग्राम इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रामर इस ग्रामर की हेल्प से ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम इस स्ट्रिंग को क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं है क्या मतलब कहने का मतलब है क्या ये स्ट्रिंग एक वैलिड स्ट्रिंग है या नहीं है राइट सो दैट एवरी थिंग वी डू इन दिस कंपाइलर डिज़ाइन इन दिस कंपाइलेशन फेज़ तो ये जो कंपाइलेशन है जो कंपाइलर वाला फ़ेज़ है इस पूरे फेज में हम लोग ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारी स्ट्रिंग है क्या वो एक वैलिड स्ट्रिंग है या फिर नहीं है अगर वो एक वैलिड लैंग्वेज स्ट्रिंग नहीं यानी कि एक वैलिड प्रोग्राम नहीं है तो हम लोग वहाँ पर एक कंपाइल टाइम एरर को थ्रो करेंगे अगर वो एक वैलिड प्रोग्राम है तो हम उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट करेंगे ओके विल डिस्कस इट फाइन उसके बाद हमारे पास आता है असेंबलर राइट असेंबलर लिंकर लोडर तो ये जो सभी फेजेस हैं दीज फेजेस आर डिपेंडेंट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम ये फेजेस है ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे पहला फ़ेज़ आता है आपके पास प्रोग्रामिंग का जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग आप करते हैं एंड दिस इज़ द फेज़ दैट कम्स इन द कंपाइलर ये कंपाइलर वाला फेज़ है और जो सबसे एंड में आपका फ़ेज़ आता है दिस इज़ मेमोरी विच इज़ कम्स अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर तो अगेन यू कैन सी एक पूरी प्रोग्राम की कंपाइलेशन में आपके पास तीनों कंपोनेंट मिलकर काम करते हैं पहला कंपोनेंट हार्ड योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ये पूरा आपके पास एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है दिस कंप्लीट इज़ योर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट करेक्ट सेकेंड कंपोनेंट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड थर्ड कंपोनेंट इज़ योर हार्डवेयर विच इज़ योर कंप्यूटर आर्किटेक्चर तो एक प्रोग्राम को स्टार्टिंग से लिखने से लेकर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने तक उस प्रोग्राम का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करने तक ये तीनों जो कंपोनेंट हैं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होकर मिलकर काम करते हैं ओके दिस द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दट यू शुड नो ठीक है अब अगर मैं सिर्फ इस कंपाइलेशन फ़ेज़ की बात करता हूँ कि अगर मैं कंपाइलेशन फ़ेज कंपाइलर क्या है दिस अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ये प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट है राइट दिस इज योर सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट ठीक है अब ये जो आपका सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट है राइट right? तो एज आई सेड कि ये आपका जो सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट है इस सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट में क्या क्या फेजेस होते हैं क्या क्या स्टेप्स होते हैं तो सबसे पहला फेज होता है यहां पर वो है लेक्सिकल एनालाइजर ठीक है तो अब ब्रीफ आइडिया मैं आपको देता बताऊँ लेट मी गिव अ ब्रीफ आइडिया ऑब्वियसली अभी मैंने डिजाइन आपको नहीं पढ़ाया है बट अगेन आई थिंक सम ऑफ़ यू मस्ट बी हैविंग अ ब्रीफ आइडिया जैसे एज आई सेट कि आपका प्री प्रोसेसर के बाद आपको एक प्रोग्राम मिला विच इज रिटर्न इन वन लाइन लड़ा सा ज्यूम जो आपका प्रोग्राम मिला है दैट इज समथिंग लाइक दिस मेन फंक्शन यू हैव इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी राइट देन यू हैव ए इज इक्वल टू फाइव बी इज इक्वल टू सिक्स एंड देन यू हैव सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लाइक दिस राइट तो ये आपका एक सिंगल लाइन में प्रोग्राम है दिस इज द प्रोग्राम इन वन सिंगल लाइन राइट सो दिस प्रोग्राम विल बी गिवन टू दिस लेक्सिकल एनालाइजर अब लैक्सिकल का एनालाइजर का काम क्या है कि इस पूरे प्रोग्राम में जो टोकन्स है टोकन्स का कहने का मतलब है कि हमारे पास जो एक यूनिट है जो हर एक चीज़ एक यूनिट है उसको आइडेंटिफाई करें जैसे कहने का मतलब है कि मेन जो है ये पूरा नाम जो है इट इज़ अ टोकन राइट दिस ओपनिंग ब्रैकेट एंड दिस क्लोजिंग ब्रैकेट दिस आर टू टोकन्स दिस ओपनिंग ब्रैट इट इज़ अ टोकन इन टीजर इज़ अ टोकन ए इज़ अ टोकन कॉमा इज़ अ टोकन बी इज़ अ टोकन तो यहाँ पर हम लोग सभी टोकन्स को आइडेंटिफाई करते हैं ओके okay? अब टोकन्स का मतलब क्या है वट इज़ द यूज़ ऑफ दिस टोकन्स इन टोकन्स का मतलब क्या है देखो अगर आपने कोई भी थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन में अगर आपने किसी ग्रामर को स्टडी किया हो अगर सम ऑफ़ यू हैव स्टडीड इट इफ़ यू रिमेंबर इट तो हमने थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन में ग्रामर में हमने कुछ ऐसा स्टडी किया था कि हमारे पास ऐसा कुछ है एस ड्राइव्स A, B, where A can create small a, a slash a, and B can create small b, b slash b. ठीक है? अब यहाँ पर ये जो A और B है, these small A and B, these are your terminals. वो यहाँ पर terminals हैं. And this capital A, B and S, these are your variables. ठीक है? अब ये जो पूरी string यहाँ से लेकर यहाँ तक बनी है, इस पूरी string में we have something called as terminals. ये पूरी जो string है वो आपकी टर्मिनल की स्ट्रिंग है पूरी जो स्ट्रिंग है ये आपकी टर्मिनल की है जो पूरा प्रोग्राम आप लिखते हैं दैट इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ अड ऑफ टर्मिनल्स ठीक है अब इसमें से कुछ ऐसे टर्मिनल्स होते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है कि जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किए जैसे कोई वैलिड स्टेटमेंट है जैसे इक्वल टू साइन आपके पास है प्लस साइन है जैसे प्लस इक्वल टू साइन है तो ये हमें पता होना चाहिए कौन से हैं कुछ ऐसे टर्मिनल्स हैं जो कि हमने वेरिएबल के नाम क्रिएट किए हैं जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स इसको हम लोग आइडेंटिफायर्स के नाम से ओके बट वेन यू गिव दिस प्रोग्राम आई मीन इफ यू गिव दिस ऑल ऑफ दिस टर्मिनल्स एंड टोकन्स टू दिसटेक्स एनलाइजर अब सिंटेक्स एनलाइजर का काम क्या है कि जो इस तरह की ग्रामर है इट शुड टेक अ ग्रामर लाइक दिस जो भी सी लैंग्वेज की ग्रामर होगी सी लैंग्वेज के ग्रामर को लेगा एंड इट विल ट्राई टू जनरेट दिस एंटायर स्टिंग बेसिकली उस ग्रामर को लेकर पूरे प्रोग्राम को जनरेट करने की कोशिश करेगा इफ दिस कैन जनरेट द एंटायर प्रोग्राम दैट मीन्स द प्रोग्राम इज़ अ वैलिड प्रोग्राम प्रोग्राम एक वैलिड प्रोग्राम है लेकिन अगर वो इस प्रोग्राम को जनरेट नहीं कर सकता तो यानी कि जो प्रोग्राम है वो एक इनवैलिड प्रोग्राम है ओके okay? तो जो सिंटेक्स एनालाइजर फेज़ है उसमें हम पूरे प्रोग्राम को जनरेट करने की कोशिश करते हैं बट समहा अगर आप इस प्रोग्राम को जनरेट नहीं कर सकते दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ वैलिड प्रोग्राम मतलब इस ग्रामर के थ्रू अगर आप इस प्रोग्राम को जनरेट नहीं कर सकते दैट मींस इट इज़ नॉट अ वैलिड प्रोग्राम इसका मतलब है कि जो आपका प्रोग्राम है इसके अंदर कुछ कंपाइलेशन एरर है सो दे कंपाइल टाइम एरर राइट कंपाइल टाइम एरर राइट यानी कि ऐसे एरर जो कंपाइलेशन प्रोसेस में आते हैं ड्यूरिंग कंपाइलेशन आते हैं उसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर और ऐसे एरर जो कि प्रोग्राम को जब रन कर रहे हैं उस समय पर आते हैं तो उसको हम बोलेंगे रन टाइम एरर जैसे कि यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की सेंटेक्स एनाइजर फेज के अंदर कि ये प्रोग्राम आपका अवेल प्रोग्राम है या नहीं है तो वो हो गया आपके पास कंपाइल टाइम एरर्स ठीक है देन यू हैव सिमेंटिक एनालाइजर तो सीमेंटिकली हम देखेंगे क्या जो प्रोग्राम है वो सीमेंटिकली ठीक है या नहीं है सीमेंटिकली ठीक होने का मतलब क्या है जैसे अगर हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जैसे कैरेक्टर ए लिखे हमने कैरेक्टर ए राइट वी हैव इंटीजर बी एंड यू हैव फ्लोट सी ठीक है यह आपका कुछ प्रोग्राम है करेक्टर ए इंटीजर बी एंड फ्लोट सी कैन आई डू समथिंग लाइक दिस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं यू वीर आइडेंटिफाई नो वी कैन नॉट डू इट वाई बिकॉज इंटीजियर एंड फ्लोट इज अ बिगर टाइप एज कम्पेयर टू करैक्टर अगर आप इंटीजियर और फ्लोट का डेटा करैक्टर के अंदर स्टोर करेंगे ऑब्वियसली विल भी लॉस ऑफ डेटा राइट सो इट इज नॉट करेक्ट यहाँ पर हम लोग वी कैन प्रोड्यूस अ वार्निंग दैट इट इज़ नॉट अ वैलिड ऑपरेशन ये एक वैलड ऑपरेशन नहीं है बिकॉज यू विल लूज अ डेटा बट एट द सेम टाइम देर आर सम प्लेसेज जहाँ पर इस तरह की चीज़ें अलाउड नहीं होनी चाहिए आई मीन वी शुड नॉट बी एबल टू स्टोर अ फ्लोटिंग पॉइंट इन अ करेक्टर ठीक है तो वो एक uh, फिर तो से आप कह सकते हो दैट कैन से इट इज़ अ सीमेंटिक कैर कि uh, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वैलिड होनी चाहिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वैलड नहीं होनी चाहिए यू कैनॉट स्टोर अ फ्रोट इन अ करेक्टर तो ये जो चीज़ें हैं एक सीमेंटिक चीज़ है और इसको हम सीमेंटिक एलाइजर फेज में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं ओके आफ्टर दिस वी गो टू इंटरमीडिएट कोड जनरेटर और यहाँ पर हम प्रोग्राम को थ्री एड्रेस कोड में जनरेट करते हैं थ्री एड्रेस कोड सो अगेन इसको हम बाद में स्टडी करेंगे दिस एंटायर सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर हम उसके बाद हम लोग देते हैं यहाँ पर कोड ऑप्टिमाइज़र के पास जो कि थ्री एड्रेस कोड को कन्वर्ट करता है हमने ऑप्टिमाइज करता है और लास्ट में आपके पास जो कोड जनरेटर है ये आपका असेंबली कोड जनरेट करता है दिस इज इंपॉर्टेंट यहाँ पर आके आपका असेंबली कोड जनरेट होता है तो एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको देता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ प्रोग्राम राइट आई थिंक दिस मस्ट नॉट बी विजिबल ये आप सभी के साथ विजिबल नहीं होगा सो आई वल्सो रिटर्न दिस इन अ जूमड फॉर्मेट जैसे आपकी एक प्रोग्राम के अंदर एक स्टेटमेंट है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस डी ये आपकी एक स्टेटमेंट है प्रोग्राम के अंदर ओके राइट दिस इज रिटर्न इन सी लैंग्वेज सो वैन यू गिव द स्टेटमेंट टू लेक्सिकल एनालाइजर अब लेक्सिकल एनालाइजर सबसे पहले इसमें टोकन्स को आइडेंटिफाई करेगा जैसे यहाँ पर x इज़ अ टोकन इक्वल टू इज अ टोकन a इज़ अ टोकन b इज़ अ टोकन करेक्ट तो ये सभी टोकन्स को आइडेंटिफाई करेगा लेकिन इसमें कुछ ऐसे टोकन है जो कि वेरिएबल के नाम है और वो नाम आपने दिए हैं वो नाम लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंट नहीं है वो नाम आपने दिए करेक्ट तो क्या करेगा कि जो भी आपके पास यहाँ पर नेम्स है आइडेंटिफायर्स है उसको ये एक आई देगा इट विल गिव एन आई डी टू एवरी आइडेंटिफायर ठीक है और जो आपके पास जैसे प्लस सिंबल है दे विल बी यूज एज इट इज़ तो ये हमारे पास प्रोग्राम बना एंड देन वी गिव दिस प्रोग्राम टू सिंटेक्स एनालाइजर सिंटेक्स एनालाइजर ग्रामर को इनपुट लेगा एंड इट विल ट्राई टू क्रिएट अ पार्स ट्री ये एक पार्स ट्री को क्रिएट करने की कोशिश करेगा ठीक है सो पास का मतलब है कि क्या हम इस ग्रामर से इस कंप्लीट स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते ठीक है एंड फ्रॉम देयर वी गिव इट टो सीमेंटिक जो चेक करेगा प्रोग्राम सीमेंटिकली ठीक है कि नहीं है मतलब कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि आपने एक करेक्टर को ले लिया और करेक्टर के अंदर आप एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर कर रहे हैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं सो दैट इज़ नॉट सीमेंटिकली करेक्ट तो सीमेंटिक एनालाइजर जो है वो सीमेंटिकली चेक करेगा कि उसके अंदर कोई सीमेंटिक मिस्टेक्स है या फिर नहीं है ओके okay? देन हमारे पास आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जो कि इस पास ट्रे को थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेगा और इसको हम जो कोड ऑप्टिमाइजर फेज़ है वो एक ऑप्शनल फेज़ है मतलब ज़रूरी नहीं कि हमेशा इंटरमीडिएट कोड के बाद हमेशा कोड ऑप्टिमाइजेशन हो ऑप्टिमाइजेशन इज एन ऑप्शनल फेज़ ठीक है उसके बाद आता है आपके पास टारगेट कोड जनरेटर जहाँ पर आपके पास ये असेंबली इंस्ट्रक्शन आती हैं यानी कि बेसिकली आपका जो कंपाइलर का मेन पर्पज़ है वो मेन पर्पज़ ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को हम टारगेट कोड में कैसे जनरेट करें यानी कि उसको असेंबली कोड में कैसे जनरेट करें दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये समझने की यहाँ पर ज़रूरत है ओके okay? जिसको समझ में नहीं आया जिसने कंपाइलर डिज़ाइन नहीं स्टडी किया डोंट वरी बट यहाँ से सिर्फ इतना गेन करो कि हमारे पास जो कंपाइलर है कंपाइलर एक यू एक, नो you know, एक राहुल गांधी का टी uh, वी पर एक एडवर्टाइजमेंट बहुत चला था कि नरेंद्र मोदी के पास एक मशीन है जिसके अंदर आलू दो और सोना निकलेगा आलू दो और सोना निकलेगा राइट right? आपने शायद सुना होगा दिस इज दिस वाज वेरी फेमस इन द न्यूज़ करेक्ट तो उसी तरीके से कंपाइलर के अंदर अगर आप एक प्रोग्राम देंगे इन हाई लेवल लैंग्वेज तो इससे क्या निकलेगा इससे निकलेगा असेंबली कोड तो एक असेंबली कोड की तरह यहाँ से लास्ट में असेंबली कोड निकलेगा इतना समझ आया इज़ इट क्लियर अब दिस इज़ यू कैन सी इन दिस प्रेजेंटेशन यू कैन सी कि हमारे पास असेंबली कोड कुछ दिखता कैसा है सो दिस इज़ सम एग्जाम्पल ऑफ असेंबली कोड तो इस असेंबली uh, कोड को हम बाद में चेक करेंगे कि कैसे जनरेट किया जा सकता है वट इज़ द यूज़ ऑफ दिस असेंबली कोड हाउ कैन वी जनरेटिड अब देखो ये दिखा रहा है हमारे पास कुछ असेंबली कोड असेंबली इंस्ट्रक्शंस ठीक है तो असेंबली इंस्ट्रक्शंस में uh, हम लोग इसको बाद में स्टडी करेंगे कैसे जनरेट करते हैं हाउ कैन वी जनरेट जनरेटिंग दिस असेंबली कोड इज़ ऑल्सो वेरी ईजी बहुत आसान है इसको जनरेट करना अभी बस समझो कि कैसी असेंबली कोड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और क्या नाम यूज़ करते हैं जैसे अगर हमारे पास असेंबली कोड है लोड ए मेमोरी यानी कि मेमोरी से डेटा को रजिस्टर ए के अंदर लोड कर दो राइट right? उसी तरीके से लोड बी मेमोरी ओके यानी कि जो भी मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे उसका जो डेटा है वो रजिस्टर बी के अंदर लोड कर दीजिए ओके okay. उसी तरीके से हमारे पास है कॉन बी कॉन यानी कि लोड अ कॉन्स्टेंट वैल्यू इंटर रजिस्टर बी मतलब कहने का मतलब है कि हम जब यहाँ पर कॉन बी का मतलब है इसका मतलब है कॉन बी कॉमा फाइव यानी कि फाइव वैल्यू को रजिस्टर बी के अंदर लोड कर दीजिए ओके okay. उसी तरीके से यू हैव एड इंस्ट्रक्शन लाइक ए एंड बी एंड स्टोर द रिज़ल्ट टू सी तो ए और बी को ऐड करो उसका रिजल्ट सी के पास स्टोर करो उसी तरीके से मल इंस्ट्रक्शन हो सकती है यू हैव लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन राइट सो राइट नाउ डो नॉट गेट कन्फ्यूज इन टू दिस ये इस पर कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है ओके okay? तो जस्ट जस्ट फॉर योर प्रेफरेंस परपज़ आई गिवन दिस प्रोग्राम क्योंकि इस आई I मी mean, इस असेंबली कोड को यूज़ करके आई हैव रिटन दिस फैक्टोरियल फंक्शन सो इफ यू रिमेंबर इट तो वी कैन फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर हमारे पास फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का प्रोग्राम है राइट तो फैक्टोरियल नंबर को आप एक रिकर्सिव प्रोग्राम भी लिख सकते हैं यू कैन ऑलसो राइट अ नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम तो यहाँ पर ये चेक करेंगे इफ़ यू चेक इट सो दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर ये एक नंबर का फैक्टोरियल रिप्रेजेंट कर रहा है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर एंड दिस प्रोग्राम इज़ रिटर्न इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मे बी इट इज़ रिटर्न इन सी लैंग्वेज ये सी लैंग्वेज एक प्रोग्राम है जिसको हमने यहाँ पर एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा है देन यू कैन सी जो आपका सी कंपाइलर है सी कंपाइलर ट्रांसलेट्स दिस प्रोग्राम इन टू दिस काइंड ऑफ असेंबली कोड तो जो आपका सी कंपाइलर है वो इस प्रोग्राम को इस तरह के असेंबली कोड के अंदर ट्रांसलेट करता है एंड इन दिस असेंबली कोड वी हैव यूज ऑल ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन यही वाली इंस्ट्रक्शन जो है हमने इस असेंबली कोड में यूज़ की है ओके सो बेसिकली जो भी आपका असेंबली कोड होगा वट एवर असेंबली कोड यू हैव सो दैट असेंबली कोड विल भी डिपेंडेंट ऑन योर कम्प्यूटर आर्किटेक्चर ठीक है जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था इफ़ यू कम बैक हीयर अगर आपको याद हो तो आई टोल्ड यू कि यहाँ पर आपके तीन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हैं सबसे पहला जो कॉम्पोनेंट है आपका वो है सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट जैसे ये जो दोनों कॉम्पोनेंट हैं ये आपका सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेट है करेक्ट और ये जो असेंबली कोड है जो असेंबलर असेंबली कोड आपको मिला है दिस असेंबली कोड विल बी डिपेंडेंट ऑन योर हार्डवेयर या आपके हार्डवेयर के अंदर डिपेंडेंट होगा जैसे कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो सर्टेन टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्ड हार्डवेयर और सर्टेन टाइप ऑफ प्रोसेसर कैन सपोर्ट इंस्ट्रक्शन ऐसा हो सकता है कुछ दूसरा ऐसा प्रोसेसर है जो कि इस इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट नहीं करता तो वो कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर आपका असम्बली को डिपेंडेंट होता है ओके okay? सो फॉर एग्जाम्पल हियर दिस इज़ सम सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शन जो कि आपका कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेंट है तो इसी इस प्रोग्राम को हमने इस असेंबली कोड में कन्वर्ट किया ओके okay? लेटर हम हम इसको बहुत डेफ्थ में स्टडी करेंगे जब आप कंपाइलर डिज़ाइन स्टडी करेंगे राइट कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर मेरे साथ अगर आप कंपाइलर डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा डेप्थ में बताऊँगा कि एक प्रोग्राम को लिखने से लेकर उसको असेंबली कोड तक इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करने तक पूरी प्रोसेस क्या होती है और किसी प्रोग्राम को कैसे कन्वर्ट किया जाता है तो ये जो इसका जो गैप है ये जो पूरा गैप है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है इस पूरे गैप को ये जो पूरा गैप है इस गैप को हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाइलर डिज़ाइन सब्जेक्ट के अंदर तो जो दूसरा आपका कॉम्पोनेंट है वो है लॉजिक गेट तो बेसिकली जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं दैट देट दैट दैट आर कॉल्ड एज डिजिटल कंप्यूटर्स राइट आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं सो वी हैव टू काइंड ऑफ सिग्नल दो तरह के सिग्नल आपके पास हो सकते हैं द फर्स्ट काइंड ऑफ सिग्नल इज़ योर एनालॉग सिग्नल एंड सेकेंड काइंड ऑफ सिग्नल इज़ योर डिजिटल सिग्नल ठीक है जैसे आपके पास एनालॉग सिग्नल है एनालॉग सिग्नल का मतलब यह है कि जो भी आपके पास सिग्नल है वो कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफर होगा दैट मीन्स द एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ़ द सिग्नल मैटर्स कहीं पर एम्पलीट्यूड कम हो सकता है कहीं पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो सकता है द एम्पलीट्यूड वैल्यू मैटर्स और जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं दे ट्रैवल इन दिस फॉर्म आइदर दे विल बी वन और दे विल बी ज़ीरो दे विल बी वन और दे विल बी ज़ीरो लाइक दिस तो इस तरीके से आपका डिजिटल सिग्नल ट्रैवल होता है सो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो आपके पास वन वैल्यू है वन को हम प्लस सिक्स वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं और जो आपकी जीरो वैल्यू है हम उसको प्लस थ्री वोल्ट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ओके बट देन वाई डोंट वी यूज़ दिस एनालॉग सिग्नल हम एनालॉग सिग्नल को अपने डिजिटल कंप्यूटर्स में यूज़ नहीं क्यों नहीं करते हैं? तो बेसिकली इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब भी आप एनालॉग सिग्नल को यूज़ करेंगे देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टोर्शन इन द सिग्नल जैसे आप सिग्नल को लेट अस सपोज यू आर सेंडिंग द सिग्नल ओवर अ वायर और यू आर सेंडिंग द सिग्नल ओवर अ नेटवर्क आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के साथ सिग्नल को सेंड कर रहे हैं सो so ऑब्वियसली जो भी हम सिग्नल को सेंड करते हैं सो देर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ डिस्टोर्शन दैट कैन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक डिस्टोर्शन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक डिस्टोर्शन हमारे पास हो सकती है सो इफ यू हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टोशन तो अगर आपका यहाँ पर सिग्नल का जो वैल्यू है वो यहाँ पर ऐसे कुछ करप्ट हो गया देन यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर दीज वैल्यूज़ परफेक्टली इसको आप प्रॉपरली रिकवर नहीं कर पाएंगे बट इन केस ऑफ अ डिजिटल सिग्नल इवन इफ देर समिस्टोशन हीयर अगर यहाँ पर कुछ डिस्टोशन भी ऑकर होता है स्टिल वी विल बी एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट डिस्टोशन बिकॉज डिस्टोशन जो है उसके बाद भी इट इज़ पॉसिबल टू रीड अ डिजिटल सिग्नल उसके बाद भी डिजिटल सिग्नल को रीड करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है सो डिजिटल सिग्नल्स आर नॉट वेरी सेंसिटिव टू नॉइस नॉइस होने के बाद भी वी कैन गेट द सिग्नल परफेक्टली बट इन केस ऑफ एनलॉक सिग्नल इफ देयर सम काइंड ऑफ डिस्टोशन इफ देयर सम काइंड ऑफ नॉइज तो हम एनलॉक सिग्नल को हम यूज़ नहीं कर सकते ओके okay? अब सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई किया कि भाई हमारा जो कंप्यूटर है इनावर कंप्यूटर वी शुड यूज़ डिजिटल सिग्नल हमें अनलॉक सिग्नल को यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि डिजिटल सिग्नल में डिस्टॉशन की जो प्रिंसिपल मतलब डिस्टोशन जो है वो कम होगा ठीक है अंडरस्टुड अब अगर हमने डिजिटल को यूज़ करना है डिजिटल सिग्नल को यूज़ करना है तो अब हम उसके ऊपर डिफाइन करेंगे लॉजिक्स कि हम अगर अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करना चाहते हैं तो उस पर क्या क्या लॉजिक हम परफॉर्म कर सकते हैं तो उसके लिए हमने कुछ लॉजिक गेट्स का इन्वेंशन किया जैसे आपके पास एक लॉजिक गेट है नॉट एंड नैंड और नॉर एक्स एंड एक्सनॉर तो हम सभी लॉजिक गेट को काफ़ी इन डेप्थ में स्टडी कर चुके हैं आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है आपको ये करने की ज़रूरत है बट अगेन हम सभी चीज़ों को बहुत डेप्स में कवर कर चुके हैं राइट right? अब इसमें से कुछ ऐसे लॉजिक गेट हैं जैसे नैंड एक लॉजिक गेट है और नॉर एक लॉजिक गेट है ये जो दोनों लॉजिक गेट है वो यूनिवर्सल है या फिर कहो कि बोथ ऑफ दिस टू लॉजिक गेट्स आर फंक्शनली कम्प्लीट ये जो दोनों लॉजिक गेट है ये फंक्शनली कम्प्लीट है ना वट डू रियली मीन बाय फंक्शनली कम्प्लीट फंक्शनली कम्प्लीट का मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी बुलियन एल्जैब्रा का लॉजिक दे दिया जाए फिर अगर हमें कोई भी डिजिटल को लॉजिक को दे दिया जाए हम सिर्फ नैंड गेट की हेल्प से या सिर्फ नॉर गेट की हेल्प से हम उस सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास ओनली नॉट गेट हो तब भी आप नहीं कर पाएंगे ओनली एग्जॉर हो तब भी नहीं कर पाएंगे ओनली और हो तब भी नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास नैंड गेट है और आपके पास गेट है नैंड या नॉट कुछ भी गेट हो आप उससे सभी सर्किट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज फंक्शनली कम्प्लीट तो जो भी आपके डिजिटल सर्किट है ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ टाइम इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप किसी भी सर्किट को यूज़ करें फंक्शनली कंप्लीट होने की हेल्प से ओके okay? फिर हमने एक कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था एडर्स ठीक है आपने इन सभी से एक एडर के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था राइट right? तो एडर में हमने कुछ एडर्स को डिस्कस किया था इफ़ यू रिमेंबर इट और जो कॉलेज में पढ़ चुके हैं जो ई के स्टूडेंट्स हैं आप सभी ने कॉलेज में भी पढ़ा है इन योर बी तो आपके पास जो एडर है यू हैव वेरियस काइंड ऑफ एडर यू हैव समथिंग कॉल्ड एज ए हाफ एडर आपने हाफ एडर को डिस्कस किया था यू हैव समथिंग कॉल्ड एज ए एडर आपने फुल एडर को भी डिस्कस किया था या एज अ एजल एडर पैरल एडर फिर आपके पास था यहाँ पर रिपल कैरी एडर राइट रिपल कैरी एडर करेक्ट रिपल कैरी एडर के बाद आपने डिस्कस किया था यहाँ पर सो so बेसिकली पहले एडर रिपल कैरी एडर दोनों तो एक तरह एक ही कॉन्टिन्यूसली सेम ही है मोस्ट ऑबली फिर आपके पास आता है यहाँ पर कैरी लुक अहेड एडर लुक अहेड एडर ठीक है वी हैव स्टडीड दिज एडर्स हम सभी एडर्स को डिस्कस कर चुके हैं एंड फ्रॉम दिस कैरी लुक एड एडर जो लास्ट में आपने डिस्कस किया था दैट वॉज योर सीरियल एडर जो लास्ट में आपने डिस्कस किया था वो आपका सीरियल एडर था ठीक है अब बेसिकली जो भी हम डिजिटल सर्किट्स को बनाएंगे जो भी हमारे पास डिजिटल कॉम्पोनेंट्स हैं हम सभी को एक आई नंबर देंगे दे समथिंग कॉर्डर से आई सी नंबर टू ईच ऑफ दिस डिजिटल सर्किट्स ताकि अगर हमें कल को उस फंक्शनैलिटी को यूज़ करने की जरूरत पड़े तो हम सिंपली इस आई सी नंबर को लें एंड यूजिंग दिस आई सी नंबर वी शुड बी एबल टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी ठीक है तो सबसे पहला आपका एडर था वो था आपके पास हाफ एडर हाफ एडर इज़ यूज टू एड टू बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन दो बिट्स को ऐड करने के लिए तो ये जो डायग्राम है दिस डायग्राम इज़ रिप्रेजेंटिंग योर हाफ एडर राइट जैसे अगर आप जीरो प्लस जीरो करेंगे तो सम इज़ जीरो एंड योर कैरी इज़ जीरो अगर आप जीरो प्लस वन करेंगे सो योर सम इज़ वन एंड योर कैरी इज़ ज़ीरो राइट तो यहाँ पर जो एक नंबर है जीरो हम इसको ए के अंदर दे सकते हैं दिस जीरो वी कैन गिव इट टू बी और इसके अंदर हमें बताएगा कि सम क्या आ रहा है आपके पास और कैरी यहाँ पर क्या आ रहा है सो दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग योर हाफ एडर ओके सो हाफ एडर इस यूज टू एड टू बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन देन यू हैव अ फुल एडर फिर आपके पास एक फुल एडर था अब फुल एडर का कॉन्सेप्ट यह था कि हमें तीन बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है जैसे जीरो प्लस वन प्लस वन तीन बिट इन इंफॉर्मेशन है यू आर गोइंग टू एड थ्री बिट्स तो इसका सम क्या रहेगा सम विल भी जीरो एंड कैरी विल भी वन तो इसका जो सम है और जो कैरी है वो हमें इस फुल एड्रेस से यहाँ से मिल जाएगा ओके जनरली ये इसका सर्किट डायग्राम है लेकिन हम इसको कुछ ब्लॉक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दैम एज ए ब्लॉक डायग्राम हम इसको ब्लॉक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ब्लॉक डायग्राम के अंदर आई कैन से दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ फुल एडर ये एक फुल एडर है और इस फुल एडर के अंदर हमारे पास तीन इनपुट है द इनपुट इज़ ए द इनपुट इज़ बी द इनपुट इज सी इट विल गिव अस अ सम इट विल गिव अस अ कैरी ये हमें एक सम और कैरी को देगा ओके okay? देन दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग योर फोर बिट ट्रिपल कैरी एडर दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज यल एडर तो यहाँ पर हमने इसके बाद एक रिपल कैरी एडर को डिस्कस किया था या फिर पैलल एडर अगर रिपल कैरी एडर का कॉन्सेप्ट किया था इफ़ यू रिमेंबर इट तो हमारा कॉन्सेप्ट यह था कि हमारे पास कुछ ऐसी कुछ फोर बिट्स के नंबर हैं जैसे हमारे पास एक नंबर है लाइट सपोज वी है वन वन जीरो वन राइट द सेकेंड नंबर इज़ आई थिंक आई शुड राइट इट इन अ प्रॉपर मैनर सो इट इज वन वन जीरो वन द सेकेंड नंबर इज वन जीरो वन वन ओके तो जब आप इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा वन प्लस वन इसका आपके पास एक सम आएगा विद दैट सम यू आर ऑल्सो गोइंग टू जनरेट अ कैरी उसके साथ आप कैरी को भी जनरेट करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे सेकेंड केस में तो हमें बेसिकली यहाँ पर थ्री बिट्स को ही ऐड करना है वी हैव टू एड थ्री बिट्स अगेन वी आर गोइंग टू गेट अ सम एंड फ्रॉम हियर अगेन वी आर गोइंग टू गेट अ कैरी अगेन वी आर गोइंग टू गैट अ सम अगेन वी आर गोइंग टू गेट अ कैरी तो बेसिकली हम जब पैडल एडर की बात करते हैं देट मीन्स वी आर एडिंग दीज बिट्स तो पैडल एडर केंद्र आपकी जो पहली नंबर है दैट इज ए जीरो ए वन ए टू एंड ए थ्री दीज आर द डिजिट ऑफ द फर्स्ट नंबर द डिजिट ऑफ द सेकेंड नंबर इज बी जीरो बी वन बी टू एंड बी थ्री देन इफ यू एड ए जीरो एंड बी जीरो देन यू आर गोइंग टू गेट सम एस जीरो और जो इसका कैरी जनरेट होगा द कैरी दैट विल बी जनरेटेड बाय दिस इनका जो कैरी जनरेट होगा दैट कैरी विल बी गिवन एज ए इनपुट हियर सो लेट्स एज्यूम दैट कैरी इज सी वन इनका जो कैरी है वो सी वन है करेक्ट सो हियर आई विल गेट द सम एज एस वन बट द कैरी दैट विल बी जनरेटेड इज सी टू हेयर आई विल गेट द सम एज एस टू बट द कैरी दैट विल बी जनरेटेड इज सी थ्री हेयर द सम दैट दैट इज एस फोर एस थ्री एंड द कैरी दैट विल बी जनरेटेड इज सी फोर राइट तो इस तरीके से हमारे पास कुछ सम की बिट्स आएँगी और कैरी की बिट आएंगी तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव यूज फुल एडर्स बिकॉज अगर आपको याद हो इफ़ यू चेक इट हियर तो यहाँ पर हर एक केस में इन एवरी केस वी आर ट्राइंग टू एड थ्री बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हर एक केस में तीन बिट इफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं सो यानी कि इनको ऐड करने के लिए आई कैन यूज़ अ फुल एडर इनको ऐड करने के लिए आई कैन यूज़ अ फुल एडर इनको ऐड करने के लिए आई कैन यूज़ अ फुल एडर तो जितनी भी यहाँ पर केसेज है तो हर एक के लिए हम लोग फुल एडर को यूज़ कर सकते हैं द आउटपुट ऑफ वन फुल एडर कैन बी गिवन एज इनपुट टू द अदर फुल एडर करेक्ट तो यहाँ से हमने इस तरीके से एक रिपल कैरी एडर को जनरेट किया था इफ़ यू रिमेंबर इट आई थिंक आप सभी को याद होगा इट इज़ वेरी वेरी इजी तो हम लोग वहाँ से फुल एडर को मतलब रिपल, रिपल कैरी एडर को जनरेट कर सकते हैं अब जो रिपल कैरी एडर है फॉर दिस रिपल कैरी एडर वी रिप्रेजेंट दिस रिपल कैरी एडर विद द हेल्प ऑफ अ यू नो आई नंबर तो ये जो है ये आपका फोर बी ट्रिपल कैरी एडर का आई नंबर है ठीक है आईसी नंबर क्या है आईसी नंबर इज लाइक अ रोल नंबर जैसे आप सभी का रोल नंबर हो सकता है क्लास के अंदर यू कैन से रोल नंबर सिक्स प्लीज खड़े हो जाओ रोल नंबर सिक्स कौन है सर हिमांशु है तो आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एवरी रोल नंबर यूनिकली ठीक है तो उसी तरीके से हम लोग हर एक डिजिटल सर्किट को एक आई नंबर देंगे सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई एवरी डिजिटल सर्किट यूनिकली क्लियर है इतना सो दिस इज़ रिप्रजेंटिंग अ ब्लॉक डाइग्राम ऑफ अ पैडल एडर ठीक है अब उसी तरीके से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था कैरी लुकाहड एडर का आपको अगर याद हो वी हैव स्टडीड द कैरी लुकाहड एडर कि इसको कैसे जनरेट करना है हाउ कैन यू यू नो मेक अ कैरी लुका हेड एडर तो कैरी लुकेट एडर जो हमारे पास प्रॉब्लम थी रिपल कैरी एडर को उसको दूर किया था कैरी लुकाहैड एडर ने सो so, यानी कि हमें कैरी को पहले ही पता चला था विदाउट इवन कैलकुलेटिंग दस हम तो जो कैरी लुकेट एडर है सो द आई सी नंबर ऑफ कैरी लुकाहैड एडर इज़ आई सी सेवन फोर वन एट टू तो कैरी लुकैड एडर का एक आई सी नंबर है सो दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग द पिन डायग्राम ऑफ कैरी लुकेड एडर ओके एंड दिस हियर इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द पिन डायग्राम ऑफ अ पैरेलल एडर ये एक पैरेलल एडर का पिन डायग्राम है और ये कैर कैरी लुकैड एडर का पिन डायग्राम है अंडरस्टूड ठीक है अब उसके बाद द थर्ड कॉन्सेप्ट वॉज अ सीरियल एडर जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो आपके पास सीरियल एडर का है सीरियल एडर का मतलब क्या है कि हमारे पास एक एडर है ये आपके पास एक एडर है राइट इन दिस एडर वी आर गोइंग टू एड सम बिट्स लाइक वन वन जीरो वन द सेकेंड बिट इज़ वन जीरो वन वन राइट वी हैव टू एड दिज इंफॉर्मेशन और इनको जब ऐड करेंगे सो वी आर गोइंग टू गेट अ सम और हमारे पास जो भी कैरी जनरेट होगा वी आर गोइंग टू एड दिस कैरी वी आर गोइंग टू स्टोर दिस कैरी इन अ सेल और कैन से इन अ मेमरी हम यहाँ पर जो भी कैरी जनरेट होगा उसको एक मेमरी के पास स्टोर करेंगे एंड देन नेक्स्ट टाइम यू कैन गिव दिस इनपुट एज इट इज़ ठीक है अब यहाँ पर जो आपका पैरल एडर है सो दिस पैरल आई मीन दिस पैरल एडर पैरल एडर इज बेसिकली योर कॉम्बिनेशनल सर्किट वो एक कॉम्बिनेशन सर्किट का पार्ट है ओके एंड योर सिक्वेंशियल एडर सिक्वेंशियल एडर इज द पार्ट ऑफ आई मीन सॉरी सीरियल एडर इज अ पार्ट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट जो आपका सीरियल एडर है या सीरियल एडर इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिक्वेंशल सर्किट राइट क्योंकि हमें यहाँ पर एक मेमोरी एलिमेंट की ज़रूरत है हमें याद करने की ज़रूरत है वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को तो ये मेमोरी एलिमेंट है दिस मेमोरी एलिमेंट इज़ बेसिकली अ फ्लिप फ्लॉप ये मेमोरी एलिमेंट आपका फ्लिप फ्लॉप होता है ओके एंड टू गिव ऑल ऑफ दिज बिट्स सीरियली ये हमें बिट्स को सीरियली देना है टू गिव ऑल ऑफ दीज बिट्स सीरियली वी यूज समथिंग कॉल्ड एज ए शिफ्ट रजिस्टर हम लोग यहाँ पर शिफ्ट रजिस्टर का यूज़ करते हैं ऑल्सो कि शिफ्ट रजिस्टर को कैसे डिज़ाइन करना है तो वो भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे बट टू गिव दिस दिट सीरियली वी यूज समथिंग ऑल एज ए शिफ्ट रजिस्टर्स ठीक है क्लियर तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन लॉड ऑफ डेप्थ हम काफ़ी डेप्थ में इसको डिस्टोलॉजिक में भी कवर कर चुके हैं ओके देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिकॉर्डर अब डिकोडर का मतलब क्या है देखो डिकोडर का ब्लॉक डायग्राम है वी रिप्रेजेंट अ डिकोडर समथिंग लाइक दिस राइट इफ इट इज़ अ एन क्रॉस टू रेस्ट पावर एन डिकोडर यानी कि अगर हमारे पास एन इनपुट है तो हमारे पास टू रेस्ट पावर एन आउटपुट लाइन्स होंगी ठीक है जैसे आपके पास इनपुट है दिस इज इनपुट ज़ीरो दिस इज इनपुट वन दिस इज़ आउटपुट ज़ीरो आउटपुट वन आउटपुट टू एंड आउटपुट थ्री ठीक है अब देखो यहाँ पर जो भी इनपुट की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू एक्टिवेट द आउटपुट वैल्यू जैसे अगर इनपुट के अंदर हम जीरो जीरो पास करेंगे देन योर आउटपुट विल बी वन आउटपुट जीरो विल बी वन अदरवाइज बाकी सभी आउटपुट की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास जीरो उसी तरीके से अगर इनपुट के अंदर हम जीरो वन पास करेंगे इफ़ यू पास जीरो वन हीयर तो जीरो वन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो आउटपुट टू है सो दिस आउटपुट टू शुड बी एक्टिवेटेड तो यानी कि आउटपुट टू के अंदर आउटपुट वन आएगा अदरवाइज सभी के अंदर आउटपुट जीरो आएगा दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिकोडर तो यह हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सो ऑब्वियसली एम नॉट कवरिंग इट तो आपका जो डिकोडर है वी कैन ऑलसो क्रिएट दिस डिकोडर यूजिंग द हेल्प ऑफ योर एंड गेट या आपके सभी के एंड गेट हैं दिस इज प्रजेंटिंग यर नॉट गेट तो बेसिकली जस्ट बाई यूजिंग अ लैंड गेट यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट अ डिकोडर आप इसको लैंड गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ओके okay? अब जो डिकोडर है टू एवरी डिकोडर वी आर गोइंग टू गिव अ आईसी नंबर जैसे अगर आपके पास एक थ्री क्रॉस एट डिकोडर है द आई सी नंबर ऑफ थ्री क्रॉस एट डिकोडर इज सेवन फोर वन थ्री एट द आई सी नंबर ऑफ अ टू क्रॉस फोर डिकोडर इज़ सेवन फोर वन थ्री नाइन उसी तरीके से वी कैन हैव अ पी सी डू डेसीमल डिकोडर विकेन है बी सी टू सेवन सेगमेंट डिकोडर तो उन सभी डिकोडर्स के लिए वी हैव अ आई सी नंबर ओके देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सर ठीक है मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसा कुछ डायग्राम हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं मल्टीप्लेक्सर का ओके okay? सो इन दिस मल्टीप्लेक्सर वी टेक इनपुट जैसे यहाँ पर आपके पास फोर इनपुट है वी आर गोइंग टू हैव वन आउटपुट एंड देन वी आर गोइंग टू हैव टू सेलेक्ट लाइन्स आपके पास दो सेलेक्ट लाइन्स यहाँ पर होंगी सो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ़ दी सेलेक्ट लाइन्स इसमें से कौन सा इनपुट हमें एज आउटपुट देना है दिस इज वॉट वी डिसाइड ठीक है तो आई होप दैट यू रिमेंबर दिस मल्टीप्लेक्सर नाउ इस मल्टीप्लेक्सर को आफ्टर द क्लास अगर आपको मल्टीप्लेक्सर क्लियर नहीं है प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर आफ्टर द क्लास वाई एम सीइंग दिस क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा बस अगर आपको याद हो सिस्टम बस का जो कॉन्सेप्ट है राइट इफ यू रिमेंबर इट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम बस सो बेसिकली योर सिस्टम बस इज़ जस्ट अ मल्टीप्लेक्सर वो एक मल्टीप्लेक्सर ही है आई विल शो यू कि उसको कैसे डिज़ाइन करता है हाउ कैन आई यूज़ दैट मल्टीप्लेक्सर बट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम बस योर सिस्टम बस इज़ जस्ट अ मल्टीप्लेक्सर क्लियर है इतना ठीक so है सो अगेन यू कैन डिजाइन अ मल्टीप्लेक्सर विद द हेल्प ऑफ सम नैंड गेट्स आप सिर्फ नैंड गेट की हेल्प से मल्टीप्लेक्सर को भी डिज़ाइन कर सकते हैं विच इज़ अ बेसिक डिजिटल लॉजिक सर्किट सो बेसिकली टू एवरी मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर वी हैव गिवन सम आई सी नंबर जैसे इफ़ यू हैव सिक्सटीन क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर द आई सी नंबर इज सेवन फोर वन फाइव जीरो एट क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर आई सी नंबर इज सेवन फोर वन फाइव वन फोर क्रास वन डीप्लेक्सर सो एवरी मल्टीप्लेक्सर एंड एवरी डी मल्टीप्लेक्सर ऑल ऑफ दिस डिजिटल सर्किट्स आर हैविंग सम काइंड ऑफ आई सी नंबर तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे इस डायग्राम के अंदर ये जो लिखा हुआ है इस आईसी के ऊपर ये आपका एक आईसी नंबर है हेयर तो हर एक आईसी ये जो आईसी है आपकी कुछ इस तरीके से दिखती है एंड ओवर एवरी आई सी देर इज़ एन आई नंबर हर एक आईसी के साथ एक आईसी नंबर यहाँ पर एडिट है तो आई होप आप सभी इस आईसी नंबर को देख पा रहे होंगे यू मस्ट बी एबल टू व्यू दिस आईसी नंबर्स यहाँ पर आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं यू हैव अ कैपेसिटर यू हैव एन आईसी तो सभी चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट करें तो बेसिकली जो भी आप सर्किट पढ़ते हैं डिजिटल लॉजिक के अंदर ऑल ऑफ दीज सर्किट्स आर इंप्लीमेंटेड एज ए आई ठीक है ताकि जब भी आपको फ्यूचर में इसकी ज़रूरत है यू कैन डायरेक्टली टेक दैट आई एंड यू कैन इम्प्लीमेंट द फंक्शन आलिटी दट्स इट आपको बिगिनिंग से पूरा सर्किट इम्प्लीमेंट ना करना पड़े टेक दैट एट आई सी एंड यूज दैट फंक्शन ठीक है उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट आपके पास एक सिक्वेंशियल सर्किट का कॉन्सेप्ट था ठीक है सो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट आई टोल्ड यू द सिक्वेंशियल सर्किट इज़ बेसिकली ए कॉम्बिनेशन सर्किट विद सम मेमोरी एलिमेंट अगर आप कॉम्बिनेशन सर्किट के साथ एक मेमोरी एलिमेंट को ऐड कर देंगे टू रिमेंबर समथिंग देन इट क्रिएट्स अ सिक्वेंशियल सर्किट ठीक है सो हियर यू कैन सी दिस अ मेमोरी एलिमेंट दिस अ कॉम्बिनेशन सर्किट एंड द मेमोरी एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैच हम इसको मेमोरी एलिमेंट को लैच भी बोलते हैं बिकॉज इट इज़ यूज टू स्टोर वन बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी कि हम यहाँ पर एक बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं ओके okay? अच्छा बिफोर आई स्टार्ट दिस इज़ अ बुक फॉर ऑल ऑफ यू दैट यू कैन रेफर ये बुक है ये रेफर कर सकते हैं दिस इज़ देखो वर्ल्ड में ना कंप्यूटर साइंस के लिए कैन यू नेम थ्री टू फोर इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड टॉप टेन यूनिवर्सिटीज़ है कंप्यूटर साइंस की फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न कंप्यूटर साइंस कौन कौन सी हैं सो द नंबर वन इज़ योर एम वर्ल्ड में नंबर वन में है एम आई टी राइट फिर नंबर टू पर आपके पास आती है कौन सी स्टैनफर्ड इन कंप्यूटर साइंस स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी इज़ नंबर टू इन द वर्ल्ड सो एम आई टी स्टैनफर्ड इन द थर्ड नंबर वी हैव सी सी एम यू मेलिन यूनिवर्सिटी एंड इन नंबर फोर आई थिंक इट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिलवेनिया यूपेन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया राइट तो ये जो है ये हमारे ऐसे ही लॉर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आर देयर जो कि वर्ल्ड टॉप टेन के अंदर आती हैं जो सी एम यू है कर्निक मेलन यूनिवर्सिटी सो दिस बुक इज़ रिटन बाय अ फैकल्टी फ्रॉम सी एम यू फैकल्टी फ्रॉम कार्निक मेलन यूनिवर्सिटी अब ये जो बुक है दिस इज़ कंप्यूटर सिस्टम्स फ्रॉम अ प्रोग्रामर्स पर्सपेक्टिव और बेसिकली क्या है कि एक प्रोग्रामर के लिए जितना प्रोग्रामर को पता होना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम के बारे में दिस इज़ वट हैव एक्सप्लेन इन दिस एंटायर बुक तो कहने का मतलब है जो पूरे कंप्यूटर की जो हमारी वर्किंग है द वर्किंग ऑफ एंटायर कंप्यूटर सिस्टम दैट इज़ गिवन हियर और सब कुछ सारे जो कॉम्पोनेंट हैं सभी हार्डवेयर कॉम्पोनेंट जो है एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं फॉर अ प्रोग्रामर्स पॉइंट ऑफ व्यू जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव अ प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड एग्जीक्यूशन जिसके अंदर सभी चीज़ें आती है इवन योर बिट लेब ऑपरेशन शिफ्ट ऑपरेशन इन सी लैंग्वेज बुलियन ऑपरेशन बुलियन अलजेब्रा बिट लेवल ऑपरेशन इन सी लैंग्वेज फिर आपके इंटीजियर रिप्रजेंटेश्स अर्थमैटिक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रजेंटेश फिर आपके जो मशीन लेवल रिप्रजेंटेशन जो आपके पास है सो आई डोंट इज विजिबल सो लेट यू मेक इट विजिबल फिर आपके जो मशीन लेवल रिप्रजेंटेश यू हैव कंट्रोल जम्पिंग इंस्ट्रक्शनस ठीक है यू हैव प्रोसीजर्स इवन जो आपके अरे अलोकेशन और एक्सेस हैं जो जो सभी चीज़ें हैं हाउ दीज थिंग्स वर्क इन सी लैंग्वेज एज वेल हाउ दिस थिंग्स आर मैप टू अरी कोड ये सभी चीज़ें बाइनरी इवन सॉरी बाइनरी कोड नहीं हाउ दिस थिंग्स आर गेटिंग मैप टू एंड असेंबली कोड ये सभी चीज़ें असेंबली कोड में कैसे मैप होती है एवरी थिंग इज गिवन हियर इवन द प्रिपल ऑफ पॉइंटर्स एंड अरेज तो हाउ दिस प्रिंसिपल ऑफ पॉइंटर्स एंड अरे इज़ रिप्रेजेंटेड इन अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर्मेट एज वेल हाउ इज़ रिप्रजेंट इ सी लैंग्वेज तो आईल शो यू मैं आपको दिखाऊंगा ये क्या क्या है ओके एंड देन यू हैव एवरी थिंग इज गिवन दिस बुक एक ही बुक के अंदर सब कुछ है दिस इज़ वन थाउजेंड पेज बुक तो हियर एंटायर प्रोसेसर आर्किटेक्चर इज गिवन कि जो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर कै कैसे है वट आर द स्टेजेज़ ऑफ प्रोसेसर इवन पाइप लाइनिंग हजारिवन फिर आपके पास प्रोग्राम ऑप्टिमाइजेशन एंड परफॉर्मेंस के बारे में दिया गया है राइट एंड देन आफ्टर दिस यू हैव ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ मेरा मेमोरी हिरारकी कि जो मेमोरी हिरारकी है कैसे काम करती है देन यू हैव रनिंग प्रोग्राम्स ऑन अ सिस्टम लिंकिंग कैसे काम करता है लोडिंग कैसे काम करता है एवरीथिंग इज़ गिवन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम्स फिर आपके पास यहाँ पर जैसे कंट्रोल फ्लो है हाउ दिस थिंग्स वर्क आपकी वर्चुअल मेमोरी कैसे काम करती है फॉर अ प्रोग्रामर आपके डायनेमिक मेमोरी लोकेशन डी एम कैसे काम करता है देन गारबेज कलेक्शन एंड इवन सिस्टम लेवल इनपुट आउटपुट नेटवर्क प्रोग्रामिंग तो सभी चीज़ें कैसे काम करती है दिस इज़ कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग सो अगर इन फ्यूचर यू वॉन्ट टू टीच सम सिस्टम लेवल कोर्स जो बेसिकली एक एंटायर वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैन डेफिनेटली यू शुड फाइंड इट यूजफुल दिस शो यू वन ऑफ द पेज ऑफ दिस बुक सो हियर इन दिस पेज दे आर डिस्कसिंग अबाउट एरे अ एंड एक्सेस तो जो आपका अरे अलोकेशन है सी लैंग्वेज के अंदर यू हैव एन अरे तो दिस इज़ हाउ यू डिक्लेयर एंड अरेन्ज सी लैंग्वेज इस तरीके से आप सी लैंग्वेज के अंदर अरे को डिक्लेयर करते हैं देन द साइज ऑफ दीज अरेज नॉट जस्ट द साइज दे हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट कि अर्थमैटिक्स जो है इसका असेंबली कोड क्या होगा सो इन एन अरेज जैसे फॉर एक्जाम्पल इफ़ यू हैव इंटीजियर स्टार तो इंटीजियर स्टार अगर हम लिखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर दैट इज वी आर डिक्लेयरिंग दैट इट इज़ अ पॉइंटर दैन दिस विल भी कन्वर्टेड टू एन असेंबली कोड लाइक दिस उसी तरीके से यू you नो know, ऑल ऑफ दिज एक्सप्रेशन जो भी एक्सप्रेशन आपके पास है हाउ दिज एक्सप्रेशन आर कन्वर्टेड टू असेंबली लैंग्वेज कोड एज ए इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है जैसे अगर इफ़ यू हैव एनी इंस्ट्रक्शन लाइक दिस जैसे एक इंस्ट्रक्शन है हमारे पास सो so, और इफ लेटर सपोज यू हैव समस्ट्रक्शन तो वो जो इंस्ट्रक्शन है सी लैंग्वेज की हाउ दिस सिंगल इंस्ट्रक्शन विल भी कन्वर्टेड टू अन असेंबली लैंग्वेज कोड तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर गिवन है नॉट जस्ट द अम्बली लैंग्वेज कोड कोड दव ऑल्सो डिस्कस्सड अबाउट द मशीन लैंग्वेज कोड तो मशीन लैंग्वेज कोड के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है वेरिएबल साइज़ अर एज एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स आई मीन द एंटायर मैपिंग ऑफ अ एक्चुअल प्रोग्राम उस एक्चुअल प्रोग्राम को कैसे मैप किया गया है फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन से यानी कि असेंबली लैंग्वेज कोड में वो सभी चीज़ें इस बुक के अंदर गिवन है एंड यू कैन रेफर दिस बुक इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक आप इसको रेफ़र कर सकते हैं ओके एंड हाउ द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम वर्कस जो पूरे सिस्टम की जो वर्किंग है सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया गया है इस बुक के अंदर इट्स अ वेरी बुक गुड बुक तो आप इस पूरी बुक को स्टडी कर सकते हैं वंस यू कम्पलीट योर एंटायर सिलेबस ठीक है तब आप पूरी बुक को यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं फाइन चलो एनी वेज एज ऑफ नाउ लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक अपने टॉपिक को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं फाइन तो हम लोग अभी वी हैव टू स्टार्ट दिस कंप्यूटर आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू अभी हमारा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बचा था दैट वॉज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिजिटल लॉजिक तो डिजिटल लॉजिक का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बचा था फ्रॉम दैट वी विल मूव ऑन टू द कंप्यूटर आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू वेरी सून अब थोड़ा सा पोर्शन ही है जो हमें डिजिटल लॉजिक का स्टडी करना है ओके ठीक है सो आई टोल्ड यू हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करते हैं लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक तो मैंने लास्ट सेशन में आई टोल्ड यू कि हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं एंड इन सिक्वेंशियल सर्किट वी यू समथिंग कॉल्ड एज मेमोरी एलिमेंट और वन ऑफ द मेमोरी एलिमेंट हियर इज़ कॉल्ड एज ए लैच हम मेमोरी एलिमेंट को क्या बोलते हैं लैच तो लैच का मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू लॉक वन बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी कि एक मेमोरी सेल है जिसके अंदर हम वन बिट की इन्फॉर्मेशन को लॉक करेंगे सो यू कैन क्रिएट दिस वन बिट ऑफ लैच बाय यूजिंग अ नॉट गेट यू कैन क्रिएटेड बाय यूजिंग अ नैंड गेट और यू कैन ऑल्सो क्रिएटेड बाय यूजिंग अ नॉर गेट जैसे यहाँ पर अगर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन uh, है लेटर सपोज दिस क्यू इज़ करंट वैल्यू ऑफ क्यू इज़ वन अगर क्यू की करंट वैल्यू वन है यानी कि हमें इस करंट वैल्यू को यहाँ पर लॉक करना है सो यू कैन सी दिस वन विल ट्रैवल फ्रॉम हियर टू हियर देन बिकॉज दिस इज़ अ नैट गेट और नैट गेट के दोनों इनपुट सेम इट विल वर्क एज ए नॉट गेट तो इसका आउटपुट जीरो होगा एंड दिस जीरो विल ट्रैवल फ्रॉम हियर टू हियर एंड देन दिस आउटपुट विल बी वन तो बेसिकली यहाँ पर आप वन बिट की इन्फॉर्मेशन को एक तरीके से सर्किट के अंदर लॉक कर देंगे एंड वी आर बिकॉज वी आर लॉकिंग वन बिट ऑफ इफॉर्मेशन दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए लैच फिर हमने बताया था कि हमारे पास एक एस आर लैच है जैसे आपके पास अलग अलग फ्लॉप थे आपके पास यू हैव एन एस आर फ्लॉप यू हैव अ जे के फ्लिप फ्लॉप यू अ डी फ्लिप फ्लॉप एंड हैव अ टी फ्लॉप तो उन सभी फ्लॉप का मतलब क्या है कि हम लोग एक लॉक यानी कि लैच को यहाँ पर यूज़ करेंगे एंड विद दिस लैच आई एम गोइंग टू यूज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट इस लैच के साथ हमें कॉम्बिनेशन सर्किट को यूज़ करेंगे एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन सर्किट इसका एक सिंपल सा यूज़ है कि इस लैच की वैल्यू को कंट्रोल करना कि इस लॉक की वैल्यू को हम जीरो से वन में कैसे चेंज कर सकते हैं और वन से ज़ीरो में कैसे चेंज कर सकते हैं ओके okay? अब जनरली क्या होता है कि ये जितने भी आपके पास लैच हैं जैसे आपके पास एस आर फ्लॉप है तो हम एस आर फ्लॉप को ब्लॉक डायग्राम से कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं दिस इज़ एस दिस इज़ आर तो ये आपके इनपुट है आउटपुट है क्यू एंड दिस आउटपुट इज़ क्यू कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एस आर फ्लॉप ओके उसी तरीके से यू कैन रिप्रेजेंट ऑल ऑफ दिस फ्लिप फ्लिपलॉप डी फ्लिपलॉप टी फ्लॉप सभी फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओके आई होप दैट ऑल सभी को ये पता होगा ऑल ऑफ यू नो दिस ठीक है आई एम नॉट गोइंग इन टू मच डेप्थ बिकॉज मेरा एम नहीं है यहाँ पर डेप्थ में जाने का मेरा एम है एक आपको लिंक प्रोवाइड करना कि हम कंप्यूटर इन सभी कॉम्प्लेंट को कंप्यूटर सिस्टम में कैसे यूज़ करते हैं ओके okay? अब इस एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम दो चीज़ें और यूज़ कर सकते हैं वन ऑफ दोज थिंग्स इज़ एन एनेबल लाइन एनेबल का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर वन पास करेंगे दैन ओनली दिस फ्लिप फ्लॉप विल स्टार्ट वर्किंग अगर हम यहाँ पर जीरो पास करेंगे दैन फ्लिप फ्लॉप विल नॉट स्टार्ट वर्किंग ओके एंड सेकंड वन इज़ द क्लॉक यानी कि जितने भी कॉम्पोनेट्स हैं हमारे पास उन सभी को एक साथ सिंकनाइज़ करने के लिए हम लोग क्लॉक का यूज़ करते हैं ठीक है सो वी कैन हैव अ पॉजिटिव एस्टिकट फ्लिपलॉप वी कैन है नेगेटिव एस्टिकट फ्लिपलॉप तो इस तरीके से हम लोग फ्लिपलॉप का भी यूज़ करते हैं फाइन एंड राइट नाउ हीयर इट इज़ रिप्रजेंटिंग अ मास्टर स्लेव फ्लिपलॉप बेसिकली क्या है मास्टर स्लेव का मतलब कि हमारे पास एक फ्लपलॉप होगा दैट विल एक्ट एज अ मास्टर इसका जो भी आउटपुट है दैट विल भी गिवन एज ए इनपुट टू द अनदर फ्लिपलॉप एंड द सेकेंड फ्लिपलॉप विल एक्ट एज ए स्लेव यानी कि जो स्लेव फ्लिपलॉप है उसका जो आउटपुट है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट ऑफ द मास्टर ठीक है तो हमारे पास अगर दो फ्लिपलॉप को एक साथ कनेक्ट करेंगे दैट विल बिकम मास्टर एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप और यहाँ पर ये दोनों फ्लिप फ्लॉप है दीज आर यू नो गवर्नड बाय द सेम क्लॉक पल्स ये दोनों फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक ही क्लॉक पल्स से गवर्नड है एंड दिस इज वाई वी कॉल देम एज एस सिंक्रोनस सर्किट हम इनको सिंक्रोनस सर्किट भी बोलते हैं सो वी हैव टू काइंड ऑफ सिक्वेंशल सर्किट वन इज सिंक्रोनस एंड सेकेंड वन इज असिंक्रोनस आई थिंक यू ऑल ऑफ यू रिमेंबर इट तो मैं इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं करा रहा हूँ सिंक्रोनस सर्किट मीन्स कि यहाँ पर दोनों को एक ही क्लॉक से हम गवर्न करेंगे द क्लॉक विल बी सेम ठीक है सो दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग अ बफर रजिस्टर अब देखो रजिस्टर का मतलब क्या है फ्रॉम हियर अब आपके पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट होता है बिकॉज फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स यू शुड फोकस अब तक जो भी था दैट वॉज जस्ट अ बेसिक बैकग्राउंड बिकॉज इस पॉइंट तक आने के लिए मुझे वो सभी बेसिक बैकग्राउंड की ज़रूरत थी ठीक है तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपके पास वो एक रजिस्टर का कॉन्सेप्ट है रजिस्टर का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पर कुछ फ्लिप फलॉप्स को एक साथ कनेक्ट करेंगे सो देट वी कैन यू नो स्टोर सम कॉन्टिनस बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्स सिंपली मीन्स इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सम फ्लिप फलॉप्स सो दैट वी कैन स्टोर सम इन्फॉर्मेशन जैसे यहाँ पर वी आर स्टोरिंग यूजिंग फोर डी फ्लिपलॉप यहाँ पर चार डी फ्लिपलॉप का यूज़ कर रहे हैं सो बेसिकली इफ़ यू आर यूजिंग फोर डी फ्लिपलॉप्स दैन वी कैन स्टोर फोर बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन ये फोर बिट सेल की तरह काम करेगा और कैन से फोर बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर स्टोर करेंगे सो वट डू मीन बाय रजिस्टर रजिस्टर इज़ अ कनेक्शन ऑफ फ्लिपलॉप्स वेयर वी कैन स्टोर सम इन्फॉर्मेशन एंड फॉर एग्जांपल हियर वी आर हैविंग फोर रजिस्टर्स दैट मींस वी कैन स्टोर फोर बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर चार बिट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इस रजिस्टर के अंदर सो देर आर फोर वेज इन विच वी कैन गिव द इंफॉर्मेशन चार तरीके से हम इस इन्फॉर्मेशन को दे सकते हैं सो फर्स्ट इज़ योर पैरल शिफ्ट इन आई मीन टू से देखो लेट मी लेट मी एक्सप्लेन इट तो बेसिकली रजिस्टर जब आप कनेक्ट करेंगे जैसे दिस इज द फर्स्ट रजिस्टर सेकेंड रजिस्टर थर्ड रजिस्टर एंड फोर्थ रजिस्टर इन सभी रजिस्टर्स के अंदर इन्फॉर्मेशन को डालने के चार तरीके हैं सबसे पहला सीरियल इन सीरीयल आउट सेकेंड सीरियल इन पैरल आउट थर्ड पैरल इन सीरियल आउट एंड द फोर्थ वन इज़ पैरल इन एंड पैरल आउट कहने का मतलब है जो सबसे पहला तरीका आपके पास सीरियल इन सीरियल आउट यानी कि सभी की जो इफॉर्मेशन है वो सीरीली कनेक्ट होगी जैसे अगर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर वन ट्रांसफ़र करी तो आफ्टर वन क्लॉक पल्स ये जो वन है वो यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर एक नई डिजिट आ जाएगी फिर से एक और क्लॉक पल्स के बाद ये वन है वो यहाँ पर चला जाएगा यहाँ पर ये डिजिट आएगी जीरो यहाँ पर एक नई डिजिट आ जाएगी राइट अगेन वन आफ्टर वन क्लॉक पल्स ये जो सभी बिट्स हैं वो एक पोजिशन आगे ट्रेवल करती जाएंगी दीज बिट्स विल ट्रैवल वन पोजिशन अहेड। तो यानी कि सभी लेफ्ट साइड से एंटर करेंगी और अगेन राइट साइड से यहाँ पर निकल जाएंगी दिस इज़ बेसिकली सीरियल इन एंड सीरियल आउट अब बिट्स को सीरियली ऐड कर रहे हैं और सीरियली ही बाहर निकाल रहे हैं ओके सेकेंड वन इज़ सीरियल इज़ एंड पैडल आउट तो उसका मतलब है कि जो भी हमारा आउटपुट होगा वी आर गोइंग टू टैप दीज वायर्स हम यहाँ पर इन वायर्स को टैप करेंगे और फ्रॉम हियर आई कैन गेट दिस बिट्स एज आउटपुट तो यानी कि जो भी डेटा इनपुट होगा वो सीरियली इनपुट होगा लेकिन इन रजिस्टर से जो भी डेटा आएगा वो पैडली आउटपुट होगा ओके okay? थर्ड वन इज़ पैरल इन एंड सीरियल आउट यानी कि हम डेटा को पैरलि अंदर डालेंगे और जो डेटा बाहर निकलेगा दैट विल बी सीरियली ओके एंड द फोर्थ वन इज़ पैरल इन एंड पैरल आउट यानी कि डेटा को हम पैरली ही अंदर डालेंगे और डेटा जो है पैरलि ही बाहर जाएगा तो आपके पास चार तरीके हैं इन विच यू कैन इंसर्ट इन्फॉर्मेशन इन दीज रजिस्टर्स तो यहाँ पर ये सभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग दिस वन तो पहले आपके पास शिफ्ट रजिस्टर अब देखो यहाँ पर जो डेटा है वो किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है सो हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल वी हैव सीरियल शिफ्ट राइट मतलब डेटा को हम लोग लाइट शिफ्ट करेंगे जनरली क्या होता है कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर भी वी कैन यू नो शिफ्ट द डेटा जैसे लेट मी लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल तो लेट अस अज्यूम वी हैव दिस प्रोग्राम वी हैव मेन फंक्शन एंड इन दिस मेन फंक्शन वी आर टेकिंग इन ए इज़ इक्वल टू फाइव एंड डूइंग ए इक्वल इक्वल इज इक्वल टू टू तो इसका मतलब क्या है वट इट रियली मीन्स वट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इसका मतलब है कि जो भी डेटा स्टोर्ड है उस इंटीजर वेरेबल के अंदर हम उसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे बाई टू बिट्स यानि कि जो इंटीजर ए वेरिएबल है दिस इंटीजर ए वेरिएबल विल बी स्टोर समथिंग लाइक दिस जीरो ज़ीरो 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 वन जीरो वन दिस इज़ हाओ दिस वेरेबल ए विल भी स्टोर

आप एक प्रोग्राम के अंदर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे आप लेफ्ट शिफ्ट कैसे कर सकते हैं टू परफॉर्म दिस लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो भी इन in इंटीजर की वैल्यूज़ है वट अवर द वैल्यू ऑफ दिस इंटीजर्स आर वी आर गोइंग टू स्टोर दीज इंटीजर वैल्यूज इन अ रजिस्टर इन सभी इंटीजर वैल्यूज़ को हम एक रजिस्टर में स्टोर करेंगे एंड ऑन दैट रजिस्टर वी कैन डू अ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन ठीक है तो रजिस्टर के अंदर हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं ओके okay, जैसे ये पहला आपका कंडिक आउटपुट है दिस इज़ योर सीरियल इन एंड सीरियल आउट यानी कि डेटा को आप सीरियली इंसर्ट करेंगे और डेटा जो है वो सीरियली ही आउटपुट जाएगा सेकेंड वन इज सीरियल इन एंड पैरल आउट यानी कि डेटा को आप सीरियली इंसर्ट करेंगे लेकिन जो डेटा है वो यहाँ से पैरल लाइन्स के साथ बाहर जाएगा ओके okay? सो so ये चीज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वी हैव ऑलरेडी कवर दिस थर्ड वन इज़ योर पैरल इन एंड सीरियल आउट पैरल इन और सीरियल आउटर का मतलब क्या है कि हम लोग डेटा को पैरली इंसर्ट करेंगे तो डेटा जो है यहाँ पर पैरेलली इंसर्ट हो रहा है बट जो आउटपुट है वो यहाँ से सीरियली मिलेगा हमें सो दिस इज़ पैरेलल इन एंड सीरियल आउट द फोर्थ वन इज़ पैरेलल इन एंड पैरेलल आउट यानी कि हम डेटा के बिट्स को पैरेलली इंसर्ट कर सकते हैं ए जीरो ए वन ए टू वन ए थ्री एंड वी कैन टेक इट आउट क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री तो हम पैरेलल इंसर्ट कर सकते हैं और पैरेलली ही हम उसको आउटपुट ले सकते हैं <coughs> उसी तरीके से वी कैन क्रिएट अ बाई डायरेक्शन शिफ्ट रजिस्टर एज वेल एज वी कैन ऑलसो क्रिएट अ यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर विच इज़ कैपेबल ऑफ ऑल ऑफ दीज ऑपरेशन ये जो शिफ्ट रजिस्टर है ये सभी ऑपरेशन का कैपेबल है इट कैन परफॉर्म सीरियल इन सीरियल आउट पैडल इन पैलल आउट सीरियल इन पैलल आउट पैलल इन सीरियल आउट तो ये सभी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है एंड टू जस्टिफाई कि कौन सा ऑपरेशन को परफॉर्म करना है यू हैव टू यूज़ द कॉन्सेप्ट हियर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स ठीक है बट एनी वेज दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ये सभी आपके लिए इस समय पर इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है उसके बाद वी हैव सीन समथिंग कॉल्ड एज ए काउंटर जो कि काउंटिंग को कर सकता है सो दैट मीन्स काउंटिंग सिग्नल्स जैसे यहाँ पर वी आर यूजिंग जे के फ्लिपलॉप जेके फ्लिप फलॉप जे के फ्लिप्लॉप फ्लिप फ्लॉप हम तीन फ्लिप फ्लॉप को यूज़ कर रहे हैं सो बेसिकली ऑल योर काउंटर्स जितने भी काउंटर्स हैं काउंटर्स आर ऑल्सो रजिस्टर्स जितने भी काउंटर्स हैं आपके वो रजिस्टर्स भी होते हैं अगेन आई एम राइटिंग काउंटर्स आर ऑल्सो रजिस्टर्स ठीक है Again, तो यहाँ पर आपके पास जैसा थ्री बिट बाइनरी काउंटर तो जो थ्री बिट बाइनरी काउंटर है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड हियर इट इज़ काउंटिंग तो हम इसको काउंटर्स क्यों बोलते हैं बिकॉज दे काउंट ठीक है सो आई मीन दे कैन काउंट फ्रॉम जीरो ज़ीरो टू वन वन टू 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 थ्री थ्री टू फोर लाइक फोर टू फाइव फाइव टू सिक्स एंड फ्रॉम सिक्स टू सेवन एंड फ्रॉम सेवन टू जीरो लाइक दिस सो दिस काउंटर्स कैन काउंट और इस काउंटर्स का हम यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर टू क्रिएट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स यहाँ पर टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स के लिए वी यूज़ दिस काउंटर्स ठीक है सो लेट मी कवर इट लेट अस गो थ्रू दिस स्टेप बाय स्टेप तो आपको समझ में आएगा कि काउंटर्स का यूज़ क्या है अब यहाँ पर एक डायग्राम है दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग अ काउंटर हियर एंड द आई सी नंबर इज सेवन फोर नाइन जीरो सो अगेन दिस इज प्रजेंटिंग अ मॉड फाइव काउंटर यानी कि फाइव तक काउंट कर सकता है सो हेयर द आई सी नंबर इज सेवन फोर नाइन जीरो ठीक है चलो तो अब हमारा डिजिटल लॉजिक का पार्ट फिनिश हो गया लेटस कंटिन्यू फॉरवर्ड और अब हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं नाउ यू मस्ट हैव गॉट अ सिंपल आइडिया कि हम डिजिटल लॉजिक में हमने क्या पढ़ा अब जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ आई विल स्टार्ट गोइंग स्लो कुछ ऐसी चीज़ें हैं दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लासेज में कवर कर चुके हैं सो बट स्टिल आई विल कवर देम अगेन ताकि आप सभी के लिए समझना और आसान रहे इट शुड बी सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज टू अंडरस्टैंड बट फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट स्लो अब मैं थोड़ा सा स्लो चलूँगा ताकि आप सभी को धीरे धीरे सबको समझ में आए ठीक है रेडी है सभी आर यू गेज रेडी सो राइट नाव अब हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर बिकॉज फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स यू कैन स्टडी दिस दिस विल कम इन योर एग्जाम अभी आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं फोकस करके अब तक सिर्फ एक रिव्यूज चल रहा था रिविजन चल रहा था सो नाओ आई कैन फोकस हेयर जनरली जब हम कंप्यूटर्स की बात करेंगे तो आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं वी हैव टू काइंड ऑफ कंप्यूटर्स दो तरह के कंप्यूटर्स आपके पास है द फर्स्ट कंप्यूटर्स द फर्स्ट कैटेगरी इज़ कॉल्ड एज योर जनरल परपज़ कंप्यूटर्स आपका पहला कैटेगरी है यहाँ पर जनरल परपज़ कंप्यूटर्स का एंड सेकेंड कैटेगरी इज़ योर स्पेसिफाइड पर्सन स्पेसिफिक परपज स्पेसिफिक परपज़ कंप्यूटर्स राइट सो so, ये जो स्पेसिफिक परपज़ कंप्यूटर्स है वी ऑल्सो कॉल दैम एज एम्बेडिड सिस्टम हम इसको एम्बेड सिस्टम्स भी बोलते हैं ठीक है अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखो जो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स है यू कैन यूज़ दिस जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स टू डू एनी टास्क ठीक है मतलब बेसिकली जो आपके जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स होते हैं दे आर फॉलोइंग स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर जो जनरल परपज़ कंप्यूटर्स है ये आपके स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर्स को फॉलो करते हैं ठीक है कहने का मतलब ये है कि यू हैव वन कंप्यूटर एंड यू कैन लोड डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑन दिस कंप्यूटर एंड देन दिस कंप्यूटर विल डू डिफरेंट टास्क अकॉर्डिंग टू वट एवर द प्रोग्राम यू आर इनपुटिंग आप जिस तरह का प्रोग्राम इनपुट करेंगे उसके बेसिस पे जो कंप्यूटर है वो अपने टास्क को परफॉर्म करेगा यानी कि जो भी प्रोग्राम है वो हम एक मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे और दैट प्रोग्राम विल डिसाइड द फंक्शनैलिटी ऑफ़ द कंप्यूटर ओके वाई डू वी कॉल टेज अ जनरल पर्पज बिकॉज एक ही कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे अलग अलग टास्क कर सकता है जनरली इट इट कैन बी यूज फॉर मेनी डिफरेंट टास्क दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज अ जनरल पर्पज कंप्यूटर ठीक है सेकेंड कैटेगरी इज एम्बेडिड सिस्टम अब एम्बेडेड सिस्टम का मेन एम क्या है द मेन एम फॉर एम्बेडेड सिस्टम इज़ टू डू अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ टास्क जैसे इफ़ यू आर हैविंग अ माइक्रोवेव ओवन तो माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी यू कैन प्रोग्राम इट टू यू नो यूज डिफरेंट मोड्स जैसे आप एक माइक्रोवेवन में सेट कर सकते हैं दैट यू आर कुकिंग केक और यू आर कुकिंग पिज्ज़ा और यू आर कुकिंग समथिंग राइट तो जो माइक्रोवेव ओवन है दैट ऑल्सो इज हैविंग सम कंप्यूटर इट इन द सेम वे मोस्ट ऑफ योर वॉशिंग मशीन नाव डेज वी हैव स्मार्ट वॉशिंग मशीन्स तो स्मार्ट वॉशिंग मशीन दे यूज़ सेंसिंग आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं दे यूज़ सेंसिंग कि आपके जो क्लोथ्स है वो क्लीन हो चुके हैं इफ़ इट इज़ क्लीन तो उसमें सोप की क्वांटिटी कितनी है अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ सोप दे कैन डू यू नो दे कैन टेक डिसीजन वेदर द क्लोथ्स आर क्लीन क्लिन और नॉट सो बेसिकली योर वाशिंग मशीन्स आर ऑल्सो हैविंग सम सिस्टम्स बट अगर जो वॉशिंग मशीन का जो सिस्टम है उसका प्रोग्राम को आप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज दे डो नॉट यूज स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर वहाँ पर जो भी प्रोग्राम है दैट दो प्रोग्राम आर एम्बेड इन द हार्डवेयर करेक्ट इवन अगर आपके जो एयरक्राफ्ट है जैसे हवाई जहाज है वहाँ पर क्या होता है इन योर एयरक्राफ्ट यू कैनॉट हैव अ स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर बिकॉज इफ़ यू ब्रिंग अ स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर इन योर एयरक्राफ्ट देन समाइम्स दिस स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर्स टेन टू बी लिटल स्लो तो so, वहाँ पर जो सिस्टम्स आप यूज़ करते हैं दैट इज़ एम्बेरिड सिस्टम्स सो लॉड ऑफ प्लेसेस लॉड ऑफ प्लेसेस वेयर मोस्टली इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वी यूज एम्बेड सिस्टम बट जो भी आपके जनरल सिस्टम्स हैं जनरल कंप्यूटर्स हैं मोस्टली द प्रोग्रामर्स दैट वी यूज वी यूज़ अ जनरल पर्पज़ कंप्यूटर दैट यूज अ स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर ठीक है अब अगर मुझे एक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर सिस्टम को डिज़ाइन करना है लेट अस अज्यूम आई वॉन्ट टू डिज़ाइन द मोस्ट सिम्पलेस्ट द मोस्ट सिम्पलेस्ट जनरल पर्पज़ कंप्यूटर जितना सिंपल हो सके सबसे सिंपल मुझे जनरल पर्पज़ कंप्यूटर डिज़ाइन करना है आई डो नॉट वॉन्ट टू मेक इट एज कॉम्प्लीट बिकॉज नाउ इट इज द कंप्यूटर सिस्टम दैट वी हैव दे आर वेरी वेरी कॉम्प्लीकेड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो मुझे जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल कंप्यूटर को डिज़ाइन करना है सिस्टम को डिज़ाइन करना है तो उस सिस्टम के हमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स की ज़रूरत होगी तो जो सबसे पहला कॉम्पोनेंट हमें चाहिए इस सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए दैट इज़ योर ए एल यू और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ओके द सेकेंड कॉम्पोनेंट दैट वी नीड इज़ मेमरी हमारे पास जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है वो यहाँ पर मेमरी हमें चाहिए ओके एंड वट काइड ऑफ मेमरी दिस इज द मेमरी वेयर यू कैन स्टोर द प्रोग्राम सो एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी मेमरी मैं यहाँ पर हार्डेस्क नहीं कर रहा हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट वन द कंप्यूटर इज रनिंग एंड वेर कैन कैन यू स्टोर द प्रोग्राम सो हियर आईम टॉकिंग अबाउट द मेन मेमरी तो यहाँ पर मैं मेन मेमरी की बात कर रहा हूँ बट द प्रॉब्लम इज दिस मेन मेमरी इज टेंड टू बी वेरी स्लो एज कंपेयर टू यूर सी पी यू और यू कैन से एल यू आपके एल यू के कम्पेटिवली ये जो मेमरी है ये बहुत ज़्यादा स्लो होती है दैट इज़ वाई वी नीड सम रजिस्टर्स हमें कुछ रजिस्टर्स की यहाँ पर ज़रूरत होती है ओके okay? तो रजिस्टर्स में आपके बहुत सारे अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स हैं देर वी कैन यूज़ इन अ कम्प्यूटर फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव एन एक्ूमलेटर आपके पास एक एक्ूमलेटर एक रजिस्टर है देन यू हैव सम फ्लैग्स आपके पास कुछ फ्लैग्स हो सकते हैं दैन यू हैव सम अगेन जनरल परपज़ रजिस्टर्स आपके पास कुछ जनरल परपज रजिस्टर्स हैंट कैन बी यूज फॉर एनी परपज़ ठीक है यू हैव जनरल परपज रजिस्टर्स ठीक है एंड यू नो लॉट ऑफ थिंग्स आर देर इवन यू हैव प्रोग्राम काउंटर इज़ अ रजिस्टर इवन प्रोग्राम स्टेटस वर्ड इज़ अ रजिस्टर तो ये जो सभी हैं दीज आर प्रजेंटिंग सम रजिस्टर्स और रजिस्टर्स कैसे बने हैं दीज रजिस्टर्स आर मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स उन फ्लिप फ्लॉप को हमने स्पेसिफिक वे में कनेक्ट किया है एम नाउ बिकॉज इफ़ वी हैव अ कंप्यूटर विच इज़ अ सिक्सटी फोर के इंटू सिक्सटीन कंप्यूटर तो यानी कि यहाँ पर जो रजिस्टर का साइज़ है द साइज ऑफ रजिस्टर विल बी सिक्सटीन बिट हम लोग वहाँ पर सिक्सटीन बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे ओके देन द फोर्थ थिंग दैट वी नीड हियर इज़ योर टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल हमें चार चौथी चीज़ चाहिए यहाँ पर टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स एंड वाई डू वी नीड दिस टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल वी नीड दिस टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल ताकि हम इन तीनों चीज़ों को एक दूसरे के साथ सिंकनाइज कर सकें ओके राइट सो दैट वी कैन सिंकनाइज एल्यू मेमरी एंड रजिस्टर्स तो आप यहाँ पर ए ल्यू मेमरी और रजिस्टर्स इन सभी को एक दूसरे के साथ सिंकनाइज कर सके दैट इज वाई वी नीड टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल दट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके आई होप दैट यू मस्ट है आइडिया अब हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे इन दिस सेशन सबसे पहले हम देखेंगे हाउ केन यू डिजाइन एन एल यू इस अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है सेकेंडली हाउ दिस मेमोरी इज़ डिज़ाइंड किस तरीके से इस मेमरी को डिज़ाइन किया जा सकता है थर्ड कौन कौन से रजिस्टर्स हमें कंप्यूटर सिस्टम के लिए चाहिए एंड हाउ कैन वी ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए वी आर गोइंग टू लुक एट द आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम बस हम लोग यहाँ पर सिस्टम बस के आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे

दैन हाउ कैन आई डिज़ाइन दिस सिस्टम बस वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करेंगे ओके okay? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपके पास ए एल यू दैट इज अर्थमैटिकल लॉजिकल यूनिट ए एल यू को कैसे डिजाइन किया जा सकता है देखो एल यू का फंक्शन क्या है इफ़ दिस इज़ एन ए एल यू तो एल यू का फंक्शन ये है इट वॉन्ट वी कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन बेस्ड ऑन दिस तो हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा वट इज़ अ काइंड ऑफ ऑपरेशन ठीक है तो किस तरह का ऑपरेशन है सो so,

अब क्या क्या ऑपरेशन हमें एल के साथ परफॉर्म करने हैं वी कैन परफॉर्म इन एडिशन ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म अ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म अ डिवीजन ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म अ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन राइट अगर गिवन फ्रीडम गिवन फ्रीडम टू डिज़ाइन एनी सिस्टम विच कैन बी वेरी वेरी फास्ट आई कैन यूज़ डिफरेंट सर्किट्स फॉर ऑल ऑफ दिज ऑपरेशन जैसे आई कैन यूज़ अ सर्किट फॉर एडर मैं यहाँ पर एक एडर का यूज़ कर सकता हूँ आई कैन यूज़ अ सर्किट फॉर सब्ट्रैक्टर आई कैन यूज़ अ सर्किट फॉर मल्टीप्लायर राइट आई कैन यूज़ अ सर्किट फॉर कंपेरिजन कंपेरिटर एंड सोन तो हम लोग हर सर्किट को यूज़ कर सकते हैं एंड हियर वी कैन यूज़ अ डिकोडर हम यहाँ पर एक डिकोडर का यूज़ करेंगे एंड अब डिकोडर का मतलब क्या है वाट इज़ अ यूज़ ऑफ दिस डिकोडर तो ये जो डिकोडर है दिस डिकोडर विल टेक सम कंट्रोल सिग्नल जैसे इट कैन टेक थ्री कंट्रोल सिग्नल्स यहाँ पर एक कंट्रोल सिग्नल ये ले सकता है एंड बेस्ड ऑन दिस कंट्रोल सिग्नल्स वी कैन आइडेंटिफाई कि हमें कौन सा ऑपरेशन को परफॉर्म करना है ठीक है सो द आउटपुट ऑफ दिस डिकोडर विल बी गिवन एज अ इनपुट टू दिस और ये इनपुट क्या लेगा आई मीन इट विल मेक एन एनेबल लाइन वो इन सब की एनेबल इनपुट को एक्टिवेट करेगा दिस इज एवरी विल बी हैविंग एन एनेबल लाइन हियर ठीक है एंड वट एवर इनपुट यू हैव जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव इनपुट ए एंड यू हैवे इनपुट बी एंड दीज इनपुट ए एंड इनपुट बी कैन बी गिवन टू इच ऑफ दिस सर्किट्स इंडिविजुअली सभी को इनपुट ए और बी यहाँ पर गिवन किए जा सकते हैं ओके क्लियर अब हेयर वट वी कैन डू आई कैन टेक दिस आउटपुट हेयर मे बी आई कैन परफॉर्म इन आर गेट और वट एवर आई वॉन्ट तो कुछ ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर सकता हूँ ठीक है सो वट इज़ द यूज ऑफ दिस कि अगर मैंने लेट अस अज्यूम आई एम गिविंग दिस कंट्रोल सिग्नल एज ज़ीरो 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 अगर ज़ीरो 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 मैंने कंट्रोल सिग्नल दिया इस डिकोडर के अंदर सो दिस डिकोडर विल एक्टिवेट दिस एडर एंड दिस एडर विल टेक दिस टू बिट्स और दिस टू नंबर्स एंड देन दिस एडर विल प्रोड्यूस द आउटपुट हियर तो जो एडर है वो यहाँ पर आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा ओके एंड द मिडल डेटा जो भी यहाँ पर कैरी जनरेट हो रहा है सो कैरी एंड ऑल दिस कैन बी स्टोर्ड इन सम काइंड ऑफ फ्लैग्स उसको हम फ्लैग के अंदर स्टोर कर सकते हैं ठीक है तो बेसिकली क्या है कि सबसे ईजिएस्ट डिज़ाइन ये है द ईजीएसट वे यू कैन डिज़ाइन एन लॉजिकल यूनिट इज़ टू यूज़ द वेरियस सर्किट दैट वी ऑलरेडी हैव यानी कि जो हम पास ऑलरेडी जो आई सी प्रेजेंट है हमारे पास एक डिकोडर की आई सी प्रेजेंट है हमारे पास एक एडर की आई सी प्रेजेंट है हमारे पास एक सब्ट्रैक्टर की आई सी प्रजेंट है मल्टीप्लायर की आई सी प्रजेंट है कंपैटर की आई सी प्रजेंट है जो ऑलरेडी हमारे पास आई सीज़ प्रेजेंट है उन सभी आई सीज़ को कंबाइन करके easily I can create an arithmetic logical unit ALU which can perform all of these operations fine but again making this will become very complicated for us wo sabse tough hai तो मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर हम सिर्फ addition operation को perform कर सकते हैं अगर हमारे पास सिर्फ एक adder circuit है तो adder circuit से हम सभी operation को perform कर सकते हैं we can perform एनी ऑपरेशन जस्ट बाय यूजिंग एन एडर सर्किट ये मैं आपको पहले काफी बार बता चुका हूँ बिकॉज एडिशन ऑपरेशन इज द मोस्टॉट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन दैट यू कैन हैव ठीक है सो वट यू कैन यूज इज यू कैन क्रिएट एन ए एल यू दैट विल बी कॉल्ड एस एडर एंड लॉजिक सर्किट तो वाई एम सेग इट इज अडर एंड लॉजिक सर्किट बिकॉज क्रिएटिंग दिस एडिशन ऑपरेशन जो इवन दो अवर ऑपरेशन जो है जैसे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कैन भी लिटल स्लो बट जस्ट बाई यूजिंग एन एडिशन ऑपरेशन आप चीज़ों को थोड़ा सा ईजी बना सकते हैं यू कैन मेक थिंग्स ए लिटल इजियर आई मीन यू कैन मिनिमाइज द सर्किट साइज ठीक है तो यहाँ पर दिस इज़ रिप्रजेंटिंग वन ऑफ द एडर लॉजिकल यूनिट तो यहाँ पर यह सिर्फ uh, दो नंबर्स को लेकर इट विल परफॉर्म एडिशन ठीक है तो यहाँ पर डी आर इज रिप्रजेंटिंग सम डेटा रजिस्टर ठीक है एंड हियर ए सी इज़ रिप्रेजेंटिंग योर एक्ूमुलेटर ठीक है तो यहाँ पर बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटिंग सम एडिशन एंड दिस इज आई एन पी आर रिप्रेजेंटिंग सम इनपुट रजिस्टर आई एन पी आर जो है वो इनपुट रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दिस एफ इज रिप्रेजेंटिंग योर फुल एडर या आपका फुल एडर को रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज रिप्रेजेंटिंग फुल एडर एनी वेज द कंप्लीट डिटेल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऑल यू नीड टू नो इज जस्ट बाई यूजिंग द बेसिक कॉम्पोनेट्स जैसे आपके पास एक फुल एडर प्रेजेंट है राइट यू हैव अ डेटा रजिस्टर डेटा रजिस्टर कैसे बनेगा डिजस्टर रजिस्टर जो कॉम्बिनेशन सम फ्लिप फ्लॉप है

लिटल कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड बहुत कॉम्प्लीकेट है समझना एंड आई बिलीव सभी के लिए आप सभी के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ठीक है सो दैट इज हैव नॉट एक्सप्लेन दिस टॉपिक ऑब्वियसली इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया नहीं है बट एनी वेज ओनली थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर हम अपना कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ पर एल्यू डिज़ाइन करेंगे एंड आवर एल यू विल भी एडर एंड लॉजिक सर्किट हमारा जो एल्यू है वो सिर्फ एडर और लॉजिक सर्किट होगा बिकॉज वी आर ओनली गोइंग टू परफॉर्म एडिशन दैट्स इट इतना ही समझना काफ़ी है दैट्स मोर देन अफ फॉर एस राइट नाउ अब ये माइक्रो प्रोसेसर है क्या ठीक है एल यू इज़ नॉट अ माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव एक्यूमलेटर वी हैव टेम्प्रेरी रजिस्टर वी हैव सम फ्लैग एंड दिस इज दिन ए एल यू एल यू के अंदर ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ए एल यू इज़ अ पार्ट ठीक है यहाँ पर एल यू जो है सिर्फ एक पार्ट है अगेन वी हैव इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वी हैव इंस्ट्रक्शन डी एंड मशीन कोडिंग

दिस इज क्रिटिंग योर मल्टीपेक्स बट एन विस डोट कैन कन्फ्यूज इसे कन्फ्यूज मत हुई है आर डिस्कस अबाउट इट सो दिस इज रिप्रजेंटिंग द हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर जैसे नाइनटीन सेवेंटी वन से नाइनटीन सेवनटी टू के बीच में द फर्स्ट प्रोसेसर दैट वॉज इंट्रोड्यूसड वॉज इंटेल फोर थाउजेंड फोर एंड इंटेल फोर थाउजेंड फोर्टी एंड इट वॉज अ फोर बिट माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले आपके पास फोर बिट माइक्रो प्रोसेसर आया था द नाइनटीन सेवेंटी फोर इंटेल एट जीरो एट जीरो वॉज इंट्रोड्यूस्ड इट वॉज अ एट बिट माइक्रो प्रोसेसर दैन इफ यू कम बैक हेयर देन यू कैन सी इन नाइनटीन सेवनटी सिक्स आपकी जो सी लैंग्वेज है योर सी लैंग्वेज वॉज डिज़ाइनड इन नाइनटीन सेवनटी टू बाई डेनिस रिची तो सी लैंग्वेज के डिजाइन होने के बाद नाइनटीन सेवनटी सिक्स के अंदर हमारे पास इंटेल एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर आया था विच वॉज द मोस्ट फेमस माइक्रो प्रोसेसर सो अभी जो हम सिलेबस में स्टडी करते हैं मोस्टली इन योर बी टेक वी यू स्टडी एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर एंड एट जीरो एट सिक्स माइक्रो प्रोसेसर तो आपका जो 8085 था दैट वाज अ 18 बिट माइक्रो कंट्रोलर एंड हियर दिस 8086 इज़ अ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर ओके अब उसके बाद यू कैन सी हमारे पास बहुत ज़्यादा बहुत हमने प्रोग्रेस की इन in 1993 इंटेल पेंटियम वाज इंट्रोड्यूस्ड देन वी हैव पेंटियम प्रो देन वी हैव पेंटियम टू नाइनटीन में पेंटियम टू आ गया था देन इन ईयर टू थाउजेंड पेंटीएम फोर इंट्रोड्यूस्ड तो जो मेरा फर्स्ट कंप्यूटर था द वेरी फर्स्ट कंप्यूटर आई बॉट दैट वाज इन 2006 मैंने 2005 2006 में अपना पहला कंप्यूटर लिया था एंड इन माय कंप्यूटर आई यूज्ड टू हैव पेंटियम 4 प्रोसेसर सो दैट वाज अ पेंटियम 4 3.06 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर ओके दैट वाज अ 32 बिट वो जो मेरा कंप्यूटर था वो 32 बिट का था दैट मींस आई कैन ओनली हैव 4 जी ऑफ रैम बट दैट टाइम आई वाज हैविंग अ 512 बाइट्स ऑफ 512 जीबी मतलब 512 एमबी ऑफ रैम अब जो 2008 में इन द ईयर 2008 थाउजेंड आई प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड दिस आई सेवन इज़ अ सिक्सटी फोर बिट प्रोसेसर तो यानी कि आप कह सकते हैं फ्रॉम 2006 एंड सेवन ऑनवर्ड्स दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर टू थाउजेंड से पहले आपके जो माइक्रो प्रोसेसर थे वो 64 बिट के नहीं थे फ्रॉम 2006 थाउजेंड सिक्स एंड सेवन दे स्टार्टेड यूजिंग सिक्सटी फोर बिट माइक्रो प्रोसेसर हेयर तो ये आपकी एक हिस्ट्री है ओके okay? अब इन सभी कॉम्पोनेट्स को कनेक्ट करने के लिए यू नीड मदर ठीक है जैसे एक मदर है राइट दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग अ मदर सो मदरबोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है अर्लियर दिस कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था सो फर्स्ट मदरबोर्ड बोर्ड वॉज इंट्रोड्यूस इन 1981 तो मदरबोर्ड का कॉन्सेप्ट यह है कि यहाँ पर एक ब्रेड बोर्ड हुआ करता था वेयर यू कैन जस्ट इंसर्ट ऑल ऑफ दिस कॉम्पोनेंट जैसे आपने यहाँ पर एक i7 सेवन प्रोसेसर को डाला यू कैन इंसर्ट योर मेन मेमरी और यू कैन से रैम हेयर यू हैव सम कैश मेमरी हेयर और इस मदरबोर्ड के अंदर ही योर और जो आपकी जो मल्टीप्लेक्सर यानी कि जो आपका डेटा बस है कंट्रोल बस है वो सभी मदरबोर्ड के अंदर ही एम्बेडेड होते हैं सो दैट दिस कॉन्फ्रेंस कैन वर्क टुगेदर तो जो मदरबोर्ड का कॉन्सेप्ट है दैट वाज इंट्रोड्यूसड इन 1981 ठीक है <coughs> चलो सो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस मेमोरी चिप राइट तो हम मेमोरी चिप के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो मेमोरी चिप का कॉन्सेप्ट क्या है सो बेसिकली योर मेमरी चिप इज़ योर सम सेल्स मतलब कहने का मतलब क्या है देखो आप एक memory चिप को रजिस्टर से भी क्रिएट कर सकते हैं now अभी आपको समझ आया रजिस्टर कैसे बनाते हैं राइट रजिस्टर कैसे बनाते हैं वी हैव flip flop को हम कंबाइन करेंगे By combining a few flip flop आई कैन मेक अ रजिस्टर दैट्स इट ठीक है नाउ इन दिस केस are टॉकिंग अबाउट द memory चिप हम यहाँ पर memory चिप की बात कर रहे हैं करेक्ट अब ये जो मेमोरी चिप है अस अज्यूम वी हैव सिक्सटी फोर के क्रॉस एट चिप हमारे पास सिक्सटी फोर के क्रॉस एट मेम्बरीशिप है यानी कि अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूँगा तो डायग्रामेटिक का मतलब क्या है कि हम लोग कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास सिक्सटी फोर के सेल है और हर एक सेल के अंदर हम एट बिट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे बट बेसिकली आप इसको कैसे बना सकते हैं इज़ अ वेरी वे वेरी ईजी वे यू कैन टेक रजिस्टर्स कितने रजिस्टर्स सिक्सटी फोर थाउजेंड रजिस्टर्स राइट सो यू कैन टेक अ रजिस्टर हीयर राइट सो दिस रजिस्टर इज़ ऑफ़ 8 बिट रजिस्टर यू कैन टेक अनदर रजिस्टर इट इज़ आल्सो ऑफ 8 बिट रजिस्टर यू कैन टेक अनदर रजिस्टर इट इज़ ऑफ 8 बिट रजिस्टर इन द सेम वे यू कैन टेक टोटल 64 के दैट इज़ टू रजिस्ट पावर 16 माइनस वन रजिस्टर्स आप इतने रजिस्टर्स ले सकते हैं एंड इन एवरी रजिस्टर यू कैन स्टोर एट बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन हर एक रजिस्टर के अंदर आप 8 बिट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं करेक्ट अब मैं क्या करूँगा अब मैं क्या आई सेट की हर एक मेमरी में जो आपकी मेन मेमरी है एवरी लोकेशन विल भी हैविंग सम काइंड ऑफ एड्रेस जैसे ये जो लोकेशन है इट विल भी हैविंग एन एड्रेस जीरो दिस लोकेशन विल भी हैविंग एन एड्रेस वन दिस लोकेशन विल भी हैविंग एन एड्रेस टू दिस लोकेशन विल भी हैविंग एन एड्रेस थ्री अपू सो ऑन दिस लोकेशन विल भी हैविंग एन एड्रेस टू रेस्ट पावर सिक्सटीन माइनस वन तो हर एक लोकेशन का एक एड्रेस होगा ना वाई दिस एड्रेस इज इम्पॉर्टेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमें कभी भी अगर किसी लोकेशन से कुछ इन्फॉर्मेशन को रीड करना है इफ़ वॉन्ट टू रीड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी लोकेशन दैट मीन्स आई हैव टू यू नो एक्टिवेट दैट पर्टिकुलर सेल और मुझे यहाँ से इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है ठीक है अब जनरली कोई भी रजिस्टर होता है दैट रजिस्टर इज़ हैविंग थ्री लाइन्स जैसे आपके पास एक लाइन यहाँ पर हो सकती है दैट इज़ अ लोड लाइन लोड करेक्ट सेकेंड लाइन देट वी कैन हैव इज़ क्लियर राइट एंड थर्ड लाइन दैट वी कैन हैव इज इंक्रीमेंट तो इस तरीके से रजिस्टर के अंदर लाइन होती है बट अगेन आएम जस्ट कंसिडर एम जस्ट फॉर एग्जाम्पल्पल्पज मैं यहाँ पर रजिस्टर को ले रहा हूँ मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज के ले रहा हूँ अदरवाइज कैन हैव मेमरी सेल तो जस्ट इमेजिन कि ये जो भी आपकी मेमरी सेल है इन सभी मेमरी सेल्स के अंदर वी हैव टू ऑपरेशन द फर्स्ट ऑपरेशन इज योर रीड ऑपरेशन एंड द सेकेंड ऑपरेशन इज योर राइट ऑपरेशन सभी के अंदर हमने रीड ऑपरेशन राइट ऑपरेशन ये दो यहाँ पर दिया हुआ है दिस इज प्रेजेंटिंग अ रीड ऑपरेशन दिस इज राइट दिस इज प्रजेंटिंग अ रीड ऑपरेशन एंड दिस इज राइट ऑपरेशन ये सभी जो रीड और राइट ऑपरेशन है वी आर गोइंग टू कम्बाइन कनेक्ट दैम विद द हेल्प ऑफ अ कंट्रोल लाइन हम कंट्रोल लाइन्स को लेंगे सो लेटस अज्यूम दिस इज प्रजेंटिंग अ कंट्रोल लाइन दिस इज कंट्रोल लाइन राइट हमारे पास दो कंट्रोल लाइन है फॉर एवरी लोकेशन आई एम गोइंग टू कनेक्ट दैम विद अ कंट्रोल लाइन हम सभी लोकेशन को किसी कंट्रोल लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे ओके वी आर वो कनेक्ट ईच ऑफ दिसकेशन विद द हेल्प ऑफ सम कंट्रोल लाइन्स लाइक दिस ठीक है अब इन सभी के साथ आई कैन यूज अ डिकोडर मैं यहाँ पर एक डिकोडर को यूज़ करता हूँ राइट सो अब ये जो डिकोडर देखो यहाँ पर कितने सेल आपके पास वी हैव टू रेस्ट पावर सिक्सटीन सेल्स कितने सेल आपके पास टू रेस्ट पावर सिक्सटी टू एस पावर सिक्सटी जो होता है वो सिक्सटी फोर के के इक्वल होता है राइट तो वी हैव टू रेस्ट पावर सिक्सटीन सेल्स तो जो डिकोडर है इसके अंदर सिक्सटीन इनपुट होंगे सो वी आर वो है इनपुट सो दिस सिक्सटीन क्रॉस टू रेस्ट पावर सिक्सटीन डिकोडर और जो भी इसके आउटपुट है वी आर गोइंग टू गिव दीज आउटपुट टू दीज सेल्स राइट येस दीज आर प्रजेंटिंग मेमरी सेल्स तो हर एक आउटपुट को हम लोग हर एक सेल के अंदर देंगे एंड वी आर गोइंग टू गिव दीज आउटपुट एज ए एनेबल इनपुट हम को यहाँ पर इसे एज ए एनेबल इनपुट यहाँ पर देने वाले हैं ओके सो वट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस इसका बेनिफिट क्या है देखो अगर कोई एड्रेस जनरेट होता है लेटर सप्यूज सी पी यू ने एक एड्रेस जनरेट किया दट आई वॉन्ट वन वन जीरो जीरो वन जीरो 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 राइट सो दिस इज़ 4 दिस इज़ फोर ज़ीरो 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 वन 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 राइट सो अगर सी ने इस तरीके से कोई एड्रेस जनरेट किया है देन वी शुड बी एबल टू गो टू द मेमरी एट दैट स्पेसिफिक लोकेशन हम मेमरी के अंदर उस स्पेसिफिक सेल के पास जाएँ और उस सेल के पास जाकर हम उस डेटा को रीड कर पाए राइट right? या फिर उस लोकेशन पर जाके हम डेटा को राइट कर पाए दिस इज़ व्हाट वी वांट। तो बेसिकली जो भी सीपीयू एड्रेस जनरेट करेगा आई एम गोइंग टू गिव ऑल ऑफ दिस एड्रेस इन दिस डिकोडर। उन सभी एड्रेसेस को हम इस डिकोडर को इनपुट देंगे ठीक है अभी डिकोडर क्या करेगा दिस डिकोडर अकॉर्डिंग टू दिस एड्रेस दिस डिकोडर विल एनेबल दिस लाइन इसमें से एक लाइन को एनेबल करेगा बाकी सभी लाइन्स को इट विल बिकम इट विल डिसेबल बाकी सभी लाइन्स को डिसेबल कर देगा ओके एंड अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल सिग्नल वेदर यू वॉन्ट टू रीड और राइट हम इस लोकेशन से या तो डेटा को रीड कर सकते हैं या फिर डेटा को राइट कर सकते हैं सो वट एवर डेटा इज़ प्रजेंट हियर आई कैन गिव इट टू द डेटा बस या तो हम डेटा बस से इसके अंदर डेटा डेटा को डाल सकते हैं यानी कि राइट करना है इसके अंदर या फिर इसके अंदर से डेटा को हम डेटा बस के अंदर डाल सकते हैं दैट इज़ परफॉर्मिंग एज रीड ऑपरेशन तो कंट्रोल सिग्नल के बेसिस से डिसाइड होगा कि हमें रीड करना है या राइट करना है और डिकोडर से क्या डिसाइड होगा कि जो भी एड्रेस सीपीयू ने जनरेट किया है कि उसमें से कौन से सेल को हमें यहाँ पर मेमोरी के अंदर एक्टिवेट करना है दिस इज वट वी आर गोइंग टू डू ओके सो दिस इज अ रफ आइडिया कि हम मेमरी चिप को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं ये उसका एक रफ आइडिया है ओके ठीक है तो यहाँ पर दिस इज़ यू नो दिस इज़ गिवन हियर तो ये एक रफ आइडिया है मेमोरी चिप आईसी का मेमोरी आईसी सी सो इन योर मेमरी आई सी राइट हीयर यू कैन सी वी कैन यूज़ अ रिकॉर्डर यहाँ पर एक रिकॉर्डर को यूज़ कर रहे हैं एंड विद दिस रिकॉर्डर वी आर यूजिंग सम प्लेस वेयर वी कैन स्टोर द डेटा और इन सभी से हम डेटा को आउटपुट कर सकते हैं और वी कैन गिव डेटा एज इनपुट तो अगर आप चेक करेंगे सो बेसिकली दिस इज़ द कांड ऑफ अ रजिस्टर ये सभी कुछ रजिस्टर्स को ही रिप्रजेंट कर रहे हैं एंड वी आर इन सर्टिंग द डेटा पैडल ही सो वी आर डूइंग पैडल इन एंड वी आर गेटिंग पैरल आउट यहाँ से हम पैरल इन कर रहे हैं और पैरल आउट कर रहे हैं and this recorder is also having an enable input and we are telling whether we want to perform a read operation or we want to perform a write operation theek hai so abhi maine kya kiya hua hai I've sent you this ppd file to wahan par maine aapko ek link send kiya tha so that was the link of uh, this website maine aapko ek website ka link send kiya tha ठीक है so this website here it is uh, telling us about the various kind of memories उनको कैसे design किया गया है for example we have डी रैम आई सी वी हैव ई पी रोम आई सी वी हैव ई एम एम सी तो जितने भी आपके पास आई सी है नोर फ्लैश एफ और वट एवर आई सीज यू हैव तो इन सभी आईसीज़ की जो डिज़ाइनिंग है और जो फंक्शनैलिटी है उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है दे हैव डिस्कस्ड अबाउट ईच ऑफ दिज आईसीज कम्प्लीट डिटेल्स राइट सो कि मेमरी आई सी क्या होती है हाउ केन यू डिज़ाइन दिज मेमरी आईसीज वेयर कैन यू यूज़ दिस मेमरी आईसीज सम एग्जाम्पल्स जैसे यहाँ पर दिस सम आईसीज आर इवन यूज इन योर यू नो Uh, आपके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं डेबिट कार्ड्स हैं इन योर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड दिस स्मॉल चिप इज़ रिप्रेजेंटिंग एन आईसी ठीक है, है card, तो आपके जैसे ये आईसी है दिस इज़ यू नो वन ऑफ द आईसी दैट दे हैव यूज्ड तो इस डेबिट कार्ड मेमोरी कार्ड के अंदर भी हम लोग आईसी को यूज़ करते हैं ओके यस तो हम लोग मेमोरी चिप के अंदर अगेन वी कैन यूज़ अ रीड एंड राइट तो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द आईसी मॉड्यूल दैट इज़ यूज्ड इन योर रैम तो एक क्रूशियल रैम है सो हियर अगेन यू कैन यूज़ द आईसी तो यहाँ पर यू कैन सी वी हैव डी रैम आई तो आपके पास आई uh, हैं कौन सी मेमरी में कौन सी आई सी यूज़ किए सो दिस इज़ अगेन ओनली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड अगर आप इंटरेस्टेड है दैन ओनली गो थ्रू दिस अदरवाइज आपको इसमें गो कोथरी करने की जरूरत नहीं है सो दे हैव ऑल्सो स्पेसिफाइड द कनेक्शन ऑफ़ सम ऑफ दिस आई कुछ आई का जो ब्लॉक डाइग्राम है और जो कनेक्शन है तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई है इफ़ यू वॉन्ट इफ यू आर इंटरेस्टेड दैन यू कैन यू नो चेकआउट दीज थिंग्स इफ़ यू फील लाइक अदरवाइज there इज़ नो नीड अदरवाइज इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है बट ओनली अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं आई इंक्लूडेड द लिंक सो यू कैन सी इट हियर ऑल्सो ठीक है आई होप इट इज़ क्लियर चलो लेट इस मूव फॉरवर्ड ठीक है तो हमारा देखो मेन एम क्या है कि हमें ना ये समझना है इस पूरे डायग्राम को समझना है ये हमारा मेन एम है तो इस पूरे डायग्राम को समझना ही सबसे बड़ी हमारे लिए पूरी वो है ठीक है तो लेट इस कंटिन्यू ठीक है तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड कि मेमोरी कैसे डिज़ाइन की जा सकती है हाउ कैन यू डिज़ाइन मेमोरी हाउ कैन यू पास एड्रेसेस टू द मेमोरी एंड हाउ कैन यू एनेबल दोज एड्रेसेस ओके तो एज आई सेड कि हमें अपना कंप्यूटर डिज़ाइन करना है वी वॉन्ट टू डिज़ाइन आवर कंप्यूटर तो अगर हमें अपना कंप्यूटर डिज़ाइन करना है तो हमें अपने कंप्यूटर को डिज़ाइन करने के लिए बट आर द थिंग्स दैट वी विल बी नीडिंग हमें अपने कंप्यूटर को डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी ठीक है द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड हियर जो सबसे पहली चीज़ चाहिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर ए एल यू ऑल यू कैन से अर्थमैटिक एंड लॉजिक यूनिट हम लोग को अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट चाहिए सो वी हैव सीन कि एल यू को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं एंड इन आवर पर्पज़ जो हमारा कंप्यूटर है इसमें हम लोग यहाँ पर एडर लॉजिक यूनिट को यूज़ कर रहे हैं वी आर यूजिंग एडर लॉजिक यूनिट ठीक है बिकॉज हम लोग सिर्फ एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले हैं एंड नथिंग एल्स ओके द सेकेंड थिंग दैट वी नीड हेयर इज़ मेमरी दूसरी चीज़ हमें चाहिए मेमरी ठीक है memory. कि कौन सी मेमरी है योर मेन मेमरी और रैम वट एवर यू नीड तो हमें चाहिए कि मेमरी को हम कैसे यूज़ करेंगे ओके एंड द थर्ड थिंग दैट वी नीड हेयर इज़ रजिस्टर्स वाई रजिस्टर्स बिकॉज जनरली योर मेमरी इज़ वेरी स्लो एंड योर ए एल यू इज़ वेरी वेरी फास्ट आपका जो एल यू है वो बहुत फास्ट होता है और जो मेमरी है वो बहुत स्लो है अब हमें कौन कौन से रजिस्टर्स चाहिए कौन कौन से ऐसे रजिस्टर हैं जो हमें चाहिए होंगे ओके लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली फोकस यर बड़े प्यार से फोकस करो और इसको समझने की कोशिश करो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो कौन कौन से रजिस्टर चाहिए द फर्स्ट रजिस्टर दैट वी नीड इज़ अ प्रोग्राम काउंटर पहला कौन सा रजिस्टर आपके पास प्रोग्राम काउंटर अब प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है द प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट वी वॉन्ट टू एग्जीक्यूट और वह एड्रेस किसका होगा द एड्रेस विल बी प्रजेंट इन द मेन मेमरी सो प्रोग्राम काउंटर स्टोरस द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द मेन मेमरी ठीक है क्लियर फाइन अभी जो हमारे पास मेमरी है दैट मेमरी दैट वी आर गोइंग टू यूज इट विल बी ऑफ यू नो साइज 4096 वर्ड्स हम अपने कंप्यूटर में इस कंप्यूटर में हम जो भी मेमोरी युग को यूज़ करेंगे दैट विल बी हैविंग 4096 वर्ड्स और यू कैन से टू रेस्ट पावर 12 वर्ड्स ठीक है देर जो मेमोरी में एक लोकेशन का एड्रेस होगा एड्रेस विल बी एड्रेस विल बी ऑफ 12 बिट्स आपका जो एड्रेस है मेमरी का वो ट्वेल्व बिट्स का एड्रेस होगा ओके okay? एंड वी कैन से अगर जो हमारा मेमरी है दैट इज़ फोर जीरो नाइन सिक्स क्रॉस सिक्सटीन कहने का मतलब है कि हमारे पास जो एड्रेस है मेमरी में वो ट्वेल्व बिट का तो एड्रेस होगा मेमरी का वी आर गोइंग टू हर ट्वेल्व बिट एड्रेस इन द मेमरी ओके एंड दाइज ऑफ एवरी वर्ड इज़ सिक्सटीन बिट तो वर्ड का जो साइज़ है दैट इज़ गोइंग टू बी सिक्सटीन बिट हम यहाँ पर सिक्सटीन बिट का वर्ड साइज़ यूज़ करेंगे ओके okay? जो आपका प्रोग्राम काउंटर है सो दिस प्रोग्राम काउंटर क्या स्टोर करेगा प्रोग्राम काउंटर द प्रोग्राम काउंटर विल बी स्टोरिंग एन एड्रेस प्रोग्रास काउंटर जो है वो एड्रेस को स्टोर करेगा ठीक है इफ़ योर प्रोग्राम काउंटर विल बी स्टोरिंग एन एड्रेस तो एड्रेस कितने बिट का होगा द एड्रेस दैट विल बी हैविंग विल बी ऑफ ट्वेल्व बिट्स प्रोग्राम काउंटर जो है वो हमारा ट्वेल्व बिट्स के इंफॉर्मेशन को ही स्टोर करेगा बिकॉज द पर्पज़ ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज़ टू स्टोर एड्रेस ओके अंडरस्टूड सेकेंडली वी नीड समथिंग कॉल एस ए आर ए आर मीन्स वी नीड समथिंग कोडेस एड्रेस रजिस्टर हमें यहाँ पर एड्रेस रजिस्टर की ज़रूरत है एड्रेस रजिस्टर का हम क्या है कि अगर सी पी ओ किसी इंफॉर्मेशन या किसी डेटा को मेन मेमरी से बुलाना चाहता है तो उस लोकेशन का एड्रेस हमारे पास होना चाहिए वी शुड हैव द एड्रेस ऑफ दैट लोकेशन हेयर ठीक है तो वी नीड द एड्रेस रजिस्टर ओके अब एड्रेस रजिस्टर का साइज़ क्या होगा द साइज़ ऑफ दिस एड्रेस रजिस्टर विल बी ऑफ ट्वेल्व बिड्स एड्रेस रजिस्टर का जो साइज है वो भी 12 बिट्स का होगा बिकॉज इट इज़ ओनली गोइंग टू स्टोर एड्रेस ठीक है क्लियर देन द नेक्स्ट रजिस्टर दैट वी आर गोइंग टू हैव इज ए सी को हम बोलते हैं एक्यूमलेटर इसको हम बोलते हैं एक्यूमोलेटर ना वट इज द यूज ऑफ बेसिकली बेसिकलीटर का मतलब ये है कि जो आपका ए है ठीक है आपने ए को कुछ वर्क दिया परफॉर्म करने के लिए लेटा सपोज ए एल यू हैव टू डू सम कैलकुलेशंस और जो भी कैलकुलेशन का रिजल्ट होगा वाट एवर द रिजल्ट ऑफ दैट कैलकुलेशन वी आर गोइंग टू स्टोर दैट रिज़ल्ट इन द एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर जो है इट इज़ अ जनरल पर्पस रजिस्टर ये आपका जनरल पर्पस रजिस्टर है इट इज़ अ जनरल पर्पस रजिस्टर एंड दिस जनरल पर्पज़ रजिस्टर इज़ यूज टू स्टोर यू नो क्या स्टोर करेगा एक्ूमेलेटर आपका इट विल स्टोर द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन परफॉर्म बाय द सी पी जो भी कैलकुलेशन सी पी ने परफॉर्म किया उसका रिजल्ट स्टोर करेगा एंड बिकॉज इट इज़ इट हैव टू स्टोर द डेटा बिकॉज इसको डेटा को स्टोर करना है दैट इज़ वाई द एक्ूमेटर विल बी ऑफ सिक्सटीन बिट एक्यूमेटर जो है वो एक सिक्सटीन बिट का रजिस्टर है राइट right? आप देखो सिक्सटीन बिट का रजिस्टर कैसे बना सकते हैं वेरी वेरी सिंपल बहुत आसान है कैसे टेक अ डी फ्लिप फ्लॉप कितने डी फ्लिप फ्लॉप लेने की जरूरत है वी आर जस्ट गोइंग टू टेक सिक्सटीन डी फ्लिप फ्लॉप हम लोग यहाँ पर सिक्सटीन डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ कर सकते हैं सो इन एवरी डी फ्लिप फ्लॉप यू आर गोइंग टू स्टोर वन बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी कि अगर आपका एक रजिस्टर सिक्सटीन बिट का है तो हमें सिक्सटीन डी फ्लिप फ्लॉप लेने की ज़रूरत है दैट्स इट ओके तो ये हमारा एक्यूमलेटर हम यूज़ करेंगे यानी कि जो सी पी जो भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करेगा उसका रिजल्ट ओके सेकेंड जो हमें इसके बाद जो रजिस्टर यूज करने की ज़रूरत है उसको हम बोलेंगे आई आर आई आर का मतलब है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का यूज़ करना पड़ेगा अब काम किया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का द वर्क ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज़ टू होल्ड एन इंस्ट्रक्शन यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन आपको एल्यू से एग्जीक्यूट करानी है उस इंस्ट्रक्शन को हमें यहाँ पर होल्ड करना है ठीक है तो आपका जो इंस्ट्रक्शन है दैट इंस्ट्रक्शन विल बी ऑफ सिक्सटीन बिट हम यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वो सिक्सटीन बिट का यूज़ कर रहे हैं यानी कि जो इंस्ट्रक्शन है वो सिक्सटीन बिट की इंस्ट्रक्शन होगी कहने का मतलब क्या है देखो अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन है ऐड समथिंग लाइक ऐड आर नॉट राइट या फिर हमें कुछ ऐड करना है किसी मेमोरी लोकेशन से ऐड लाइक फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन थ्री थाउजेंड ठीक है अब ये क्या है ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है इस इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट हैं पहला पार्ट कौन सा आपके पास ऑपरेशन कोड एंड सेकेंड पार्ट विल बी योर एड्रेस दूसरा पार्ट कौन सा आपके पास एड्रेस ठीक है अब ध्यान दो एक चीज बहुत इंटरेस्ट है यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यू वि लिटरली लाइक इट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कितने बिट का है बेटा कितने बिट का है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर विल बी ऑफ सिक्सटीन बिट कितने बिट का है डिवाइड किया किस किस में एक होगा आपके पास एड्रेस और दूसरा होगा आपके पास ऑपरेशन कोड नो नाओ राो हमारे पास ये जो एड्रेस है द एड्रेस इज ऑफ ट्वेल्थ बिट एड्रेस खुद में आपका ट्वेल्थ बिट का है यानी कि अगर आपका एड्रेस 12 बिट का है तो आपका जो ऑपरेशन कोड है वो 4 बिट का होगा अंडरस्टूड? ऑपरेशन कोड जो है वो फोर बिट का होगा कहने का मतलब है ये जो एड इंफॉर्मेशन ऐड जो है वो फोर बिट से रिप्रजेंट किया गया है इफ़ वॉन्ट टू से हमारा ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट है सबट्रैक्ट ऑपरेशन विल बी ऑफ फोर बिट राइट मतलब जो भी आपके यहाँ पर ऑपरेशन हैं जो भी ऑपरेशन हैं उन सभी ऑपरेशन को हम फोर बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी कि आप कह सकते हैं सर फोर बिट से लेकर हम मैक्सिमम कितने ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर पाएंगे वी कैन रिप्रेजेंट सिक्सटीन बिट ऑपरेशन मतलब सिक्सटीन ऑपरेशन हम ये जो आपका मशीन है इट कैन परफॉर्म सिक्सटीन ऑपरेशन बट अगेन इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि सिक्सटीन से ज़्यादा ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाए बट इन दैट केस वी ऑल्सो हैव ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन उसमें हमारे पास जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन भी हो सकती हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे वी आर गोइंग टू डिस्कस जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन लेटर ऑन राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो भी ऑपरेशन होगा वट एवर ऑपरेशन वी वॉन्ट टू परफॉर्म दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई फोर बेट ठीक है तो आई आर इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ठीक है क्लियर नीतवाल डिस्कस अबाउट एम ए आर लेटर ऑन मैं जो मेमरी एड्रेस उसके बारे में डिस्कस करूँगा ओके एंड बाय द वे दिस एम इज़ सेम एड्रेस रजिस्टर एंड एम एमरी एड्रेस रजिस्टर दोनों दोनों सेम है एम एंड ए दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं ओके देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज टी आर टी आर मीन्स टेम्पोरेरी रजिस्टर आपको अगला जो रजिस्टर चाहिए वो चाहिए टेम्प्रेरी रजिस्टर ठीक है अब वॉट इज़ द यूज़ ऑफ टेम्प्रेरी रजिस्टर टेम्परेरी रजिस्टर का यूज़ क्या है बेसिकली जब भी आप कुछ इन कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ टेम्प्रेरी डेटा प्रोड्यूस हो सकता है करेक्ट जैसे लेट अस सपोज इफ़ यू आर एडिंग वन वन जीरो वन विद वन ज़ीरो वन वन राइट जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे दे विल बी सम काइंड ऑफ कैरी एक कैरी यहाँ पर जनरेट होगा सो फॉर दिस कैरी यू कैन यूज़ अ फ्लैग फ्लैग आप यूज़ कर सकते हो से कि यहाँ पर कोई कैरी जनरेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा करेक्ट कुछ कैरी जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा लेकिन समटाइम्स यू माइट ऑल्सो नीड अ टेम्प्रेरी रजिस्टर इसी तरीके से जो कुछ एक्स्ट्रा टेम्प्रेरी डेटा प्रोड्यूस हुआ है यू आ परफॉर्मिंग सम कैलकुलेशन अभी मेरे माइंड में कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा है एग्जाम्पल विल कम आई शो यू द एग्जाम्पल बट यू आर परफॉर्मिंग सम कैलकुलेशन एंड इन दैट कैलकुलेशन सम टाइम्स यू हैव टू स्टोर सम टेम्प्रेरी डेटा अब जो भी टेम्प्रेरी डेटा आप स्टोर करेंगे उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज़ द टेम्प्ररी रजिस्टर्स हम टेम्प्रेरी रजिस्टर्स का यूज़ करेंगे टेम्प्रेरी डेटा को स्टोर करने के लिए तो हमें टेम्प्रेरी रजिस्टर्स चाहिए ओके इतना क्लियर है अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर आई एन पी आर आई एन पी आर मीन्स इनपुट रजिस्टर यानी कि जो भी आपके कीबोर्ड है ठीक है जैसे 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 दिस इज़ अ कीबोर्ड राइट सो आप और मैं यूज़र क्या करेगा इस कीबोर्ड पे कुछ क्लिक करेगा सो so, जो भी हम लोग इस कीबोर्ड पे एंटर करेंगे ठीक है दैट इज़ अ इनपुट गिवन टू द सीपीयू तो उस इनपुट को हम इस इनपुट रजिस्टर के अंदर स्टोर करेंगे ठीक है इसके अंदर स्टोर करेंगे इनपुट रजिस्टर के अंदर ओके देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एस ओ यू टी आर ओ यू टी आर मीन्स आउटपुट रजिस्टर यानी कि जो भी आउटपुट आप यूज़र को दिखाना चाहते हैं वट एवर आउटपुट यू वॉन्ट टू शो टू द यूजर दैट विल बी स्टोर्ड इन द आउटपुट रजिस्टर तो उसको किस में स्टोर करेंगे हम लोग आउटपुट रजिस्टर के अंदर ठीक है तो जो इनपुट रजिस्टर है दिस इनपुट रजिस्टर विल बी ऑफ एट बिट योर आउटपुट रजिस्टर ऑल्सो विल बी ऑफ एट बिट योर टेम्प्रेरी रजिस्टर विल बी ऑफ सिक्सटीन बिट ठीक है सो दिस इज़ द साइज ऑफ रजिस्टर्स तो ये सभी रजिस्टर्स हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं तो ये सभी जो रजिस्टर हैं ऑल ऑफ दिज रजिस्टर्स आर मैंडेटरी ये सभी रजिस्टर आपको यूज़ करने मैंडेटरी है अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बिकॉज ये मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर है ऑब्वियसली इससे ज़्यादा रजिस्टर आपके पास हो सकते हैं बट ये मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर ये कम से कम इतने रजिस्टर तो आपके पास होने ही होने चाहिए अगर इतने रजिस्टर नहीं है देन योर सिस्टम कैन नॉट वर्क आई मीन फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग नॉट नॉट रियली की कैन नॉट वर्क ऑबियस इट कैन वर्क यू कैन डिजाइन अ सर्किट यू कैन डिजाइन अ सिस्टम बट फॉर एफिशियंट फंक्शनिंग दीज रजिस्टर्स आर एब्सल्यूटली इंपॉर्टेंट ये सभी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है गुड तो यानी कि जो बेसिक कंप्यूटर है उसके अंदर रजिस्टर्स कौन कौन से हो गए मी शो यू द रजिस्टर्स तो बेसिक कंप्यूटर जो हमारा है उसमें कौन कौन से रजिस्टर हो गए यहाँ पर द फर्स्ट रजिस्टर इज़ योर प्रोग्राम काउंटर तो प्रोग्राम काउंटर आपका ट्वेल्थ बिट का है यानी कि बिट नंबर जीरो से लेकर बिट नंबर एलेवन तक ये आपका एड्रेस स्टोर करेगा जो भी मेमोरी है आपकी उसका एड्रेस स्टोर करेगा सेकेंड इज़ योर एड्रेस रजिस्टर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एम ए आर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भी इसको बोलते हैं वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज एड्रेस रजिस्टर तो बिकॉज इसको भी एड्रेस स्टोर करना है सो अगेन इट विल बी ऑफ बिट थर्ड विल भी योर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इट इज़ ऑफ सिक्सटीन बिट फोर्थ विल बी योर टेम्प्रेरी रजिस्टर विच इज़ अगेन ऑफ सिक्सटीन बिट फिफ्थ विल बी योर इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर्स बोस्ट ऑफ दैम आर ऑफ एट बिट सिक्सथिल बी योर डेटा रजिस्टर्स दट इज़ ऑफ सिक्सटीन बिट एंड दैवथ विल बी योर एक्ूमलेटर दट इज़ ऑफ सिक्सटी बिट तो ये जो सभी रजिस्टर्स हैं ये हमारे पास कंप्यूटर्स के अंदर होने चाहिए सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन सभी रजिस्टर का जो काम है वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है ओके यू कैन ऑल्सो रीड इट हीयर तो क्या क्या रीड कर सकते हैं सो दिस डेटा रजिस्टर वेन एन ऑपरेंड इज़ फाउंड यूजिंग आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इट इज़ प्लेस्ड इन द डेटा रजिस्टर यानी कि हमने क्या किया कि ये आपका मेमोरी है राइट एंड दिस इज योर ए एल यू ठीक है अब मेमोरी से हमने ए एल यू में कुछ डेटा को मंगाया तो उस डेटा को हम डायरेक्टली ए एल यू में नहीं देंगे बट रेदर वी विल प्लेस द डेटा इन द डेटा रजिस्टर एंड फ्रॉम दिस डेटा रजिस्टर आई कैन गिव द डेटा टू द एल यू ठीक है समझ आया तो ये सभी रजिस्टर जो है हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे फाइन अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर अगर आपने इन सभी को यूज़ किया तो इनको कनेक्ट कैसे करोगे कैसे इन सभी के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है यू शुड आस्क मी दिस क्वेश्चन कि मेरे प्यारे सर मेरे प्यारे हिमांशु सर आई लव यू सर बट सर प्लीज़ टेल मी कि इन सभी बीच में कैसे डेटा ट्रांसफ़र करोगे सर आप अपने आप को समझदार तो बहुत समझते हो यू फील कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो बट सर कैसे करेंगे मतलब आई डोंट थिंक सो कि आपने ऐसा कुछ बताया सर आप बहुत डफ़र हो तो कैसे करेंगे राइट right? तो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके पास ये हो सकता है यस yes. तो हाउ कैन यू डू दिस तो कैसे हम इसको कर सकते हैं तो इसको करने के लिए एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर सिस्टम बस इसके लिए हम लोग सिस्टम बस का यूज़ करेंगे ठीक है तो सिस्टम बस जो है योर सिस्टम बस कंटेन्ड कंटेनिंग थ्री टाइप्स ऑफ बसेस सिस्टम बस जो है वो तीन तरह की बसेस से बनते हैं पहला कौन सा है द फर्स्ट बस इज़ योर यू नो कौन सी बस है आपके पास डेटा बस पहला बस कौन सी है डेटा बस द सेकेंड बस इज़ योर कौन सी एड्रेस बस एड्रेस बस ओके एंड द थर्ड बस विल बी योर कंट्रोल बस ठीक है तीसरी है आपके पास कंट्रोल बस तो जो हमारी सिस्टम बस है उसके अंदर तीन चीज़ें हैं डेटा बस एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस तो अब सबसे पहले देखते हैं कि सिस्टम बस को डिज़ाइन कैसे करते हैं हाउ कैन यू डिज़ाइन द सिस्टम बस ठीक है बाय द वे जैसे ये आपका डायग्राम है इस डायग्राम में दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग योर सिस्टम बस ये जो है ये आपकी सिस्टम बस को रिप्रेजेंट कर रही है एंड हियर इट इज़ अ कॉमन बस सिस्टम बस जो है यहाँ पर कॉमन बस है तो लेट अस सी कि हम सिस्टम बस को कैसे डिज़ाइन कर हैं